session. So I'm getting some responses here. So guys, once again, a warm welcome to all of you in today's 100 best MCQs session on EduTab. This is a weekend special series that we are basically running for the aspirants of the RBI Grade B 2022 exam. So guys, अगर आपके बाकी friends ने और बाकी जो aspirants, fellow aspirants हैं, उन्होंने अगर इस particular session को open नहीं किया है, तो guys you can just share this particular session with them as well, जिससे कि maximum लोग, maximum aspirants इस session से फायदा उठा सके. So hi Nilesh, how are you? And guys, I really believe कि आप सभी की preparation बहुत अच्छी चल रही होगी for the upcoming RBI Grade B 2022 exam. And guys, एक important instruction है आप सभी के लिए. If you are that kind of person जो कि last date पर form fill करते हैं, so guys, do not wait for the last date because today is 17th of April. 18th April is the last date. So if you have not filled your RBI Grade B 2022 exam form, then kindly go and fill it. But after this particular session, ठीक है जी? So guys, जब हम बात करें इस particular session की, तो इस session के अंदर what we are going to do basically, I will be discussing these five very important topics which are really important from the exam point of view. That is technologies, space in use, environment, military exercises, defense deals, and equipments. So we are going to do all these particular topics in our today's session. See, हमने हमेशा देखा है कि guys, these are basically the pain points for the students. ठीक है? तो इस pain point को मैं आपके आज बनाने वाला हूँ एक easy point, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि इस तरीके की news को किस तरीके से basically कवर किया जाता है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो हाय एफएस, अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस. इफ यू हैव नॉट स्टिल Guys, if you have not, if your friends have not basically joined this session, then please share this particular session with your friends as well, so that they can also get the maximum out of this. So guys, आज के session में आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, बस तसल्ली से बैठना है और पूरे session देखना है और answer करना है उन सभी questions को जो basically आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इस particular session में, which are the best 100 best MCQs on these topics. And guys, if you want to access the PDF of this particular session, then guys, you have to join our Telegram channel. Telegram चैनल को ज्वाइन कीजिए और गाइस आपको इस पर्टिकुलर सेशन का पीडीएफ भी वहां पर मिल जाएगा. ठीक है जी? सो गाइस, वी आर आल्सो रनिंग अ ग्रेट सेल फॉर ऑल ऑफ यू इन व्हिच वी आर ऑफरिंग 50% ऑफ ऑन द वेरियस कोर्सेज. और यहां पर सभी कोर्सेज के लिस्ट यहां मेंशनड है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. एंड बट फॉर दिस टू अवेल द डिस्काउंट, व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, यू आर रिक्वायर्ड टू यूज द कोड FLAT50 व्हिच इज वैलिड फ्रॉम 16th अप्रैल टू 18th अप्रैल ओनली. ठीक है जी? सो बच्चे आ रहे हैं, बैंकिंग लाइफ, स्वांति चौधरी, हेलो एवरीवन. आई रियली बिलीव कि आप सबकी प्रिपरेशन यहां पर बहुत ही अच्छी चल रही होंगी. सो गाइस, नाउ लेट्स फोकस ऑन द वेरी फर्स्ट सेशन व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग इन द टुडे सेशन, दैट इज टेक्नोलॉजीज. सो टेक्नोलॉजीज के ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज. एंड गाइस, प्लीज मेक श्योर, आई वुड लाइक टू टेल यू हियर दैट टुडे वी विल बी डिस्कसिंग these news articles from September 2021 to March 2022. ठीक है जी? तो आपके अराउंड 6 months के यहां पर करंट अफेयर्स रिलेटेड टू दीज फाइव टाइप्स विल बी कवर्ड वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली इन दिस पर्टिकुलर सेशन. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर ऑन योर स्क्रीन. सो गाइस, जल्दी जल्दी बताइए चैट बॉक्स के अंदर क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब. ठीक है जी? तो द क्वेश्चन इज, रिसेंटली रिसर्चर्स फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी हैव डेवलप्ड अ न्यू चीपर, फास्टर एंड मोर एक्यूरेट COVID-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट विच इज नेम्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल एडवांस डायग्नोस्टिक्स लीक टेस्ट. सो गाइस, जल्दी जल्दी बता दीजिए कि क्या है क्वेश्चन का सही जवाब. तो गाइस, आंसर करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन है छोटी सी, दैट इज बेसिकली व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू. क्वेश्चन नंबर लिखिए और साथ में लिखिए ऑप्शन जो भी आपका है राइट आंसर. ठीक है जी? आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर एंड आई एम गेटिंग द राइट आंसर्स हियर. नितिश, नीलेश एंड हिमांशु आर सेइंग दैट इट इज ऑप्शन ए एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इट इज ऑप्शन ए, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया. सो गाइस, दिस इज बेसिकली द राइट आंसर हियर. सो यू कैन सी हियर कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं. यहां पर आपको बताया गया कि एक टेस्ट है जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, सबसे ज्यादा फास्ट है, उसको रिसेंटली यहां पर डेवलप किया है. तो डेवलप किसने किया है, इट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है जी? सो द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज लॉन्च्ड गूगल गैराजेस.
सी गाइस, गूगल गैराज को यहां पर इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है। तो गाइस आपको बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बेसिकली इसको लॉन्च किया है, इट पार्टनरशिप विद द गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड के साथ मिलके इस पर्टिकुलर गूगल गैराज को यहां पर लॉन्च किया गया है। सो जल्दी जल्दी बताइए क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब, वेदर इट इज टेक महिंद्रा, टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, नन ऑफ द अबव। सी, इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स है जो यहां पर इंडिया के अंदर लॉन्च किए गए हैं, दे बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम उठाकर देखते हैं तो ऐसे ही हमें क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, तो लेट्स सी दैट हु विल आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन करेक्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द गूगल गैराजेस इन इंडिया इन पार्टनरशिप विद द गूगल क्लाउड। सो द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। सो गाइस, टीसीएस इस क्वेश्चन का सही जवाब, तो सही जवाब था टीसीएस। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। सो द थर्ड क्वेश्चन इज, रिसेंटली इंजीनियर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज डेवलप्ड अ न्यू अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग 2D पॉलीमर। सी गाइस, एक नया 2D पॉलीमर यहां पर बनाया गया है जो कि लाइट है प्लास्टिक से भी और स्ट्रॉन्गर है स्टील से भी। तो गाइस, अब इस तरीके की यहां डेवलपमेंट होती है तो क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सबके लिए जानना कि बेसिकली किसने, कौन सी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं ये जिन्होंने इसको डेवलप किया है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, MIT, Harvard, Stanford, Yale और Cornell, क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब। एंड आई एम गेटिंग द आंसर्स, अदिति सिंह ऑप्शन ए, नीलेश ऑप्टिंग फॉर ऑप्शन डी, हिमांशु ऑप्टिंग फॉर ऑप्शन डी। एंड गाइस, हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज MIT। सो MIT है इस क्वेश्चन का सही जवाब। गाइस याद रखिएगा एग्जाम के लिए, क्या है उस यूनिवर्सिटी के, जिस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने रिसेंटली एक ऐसा पॉलीमर बनाया है विच इज लाइटर देन प्लास्टिक एंड स्ट्रॉन्गर देन द स्टील। सो ऐसे पॉलीमर को यहां पर बनाया है रिसर्चर्स ने जो कि बिलोंग करते हैं MIT से। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो रिसेंटली विच इंस्टीट्यूशन हैज सेट अप अ एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल कैरेक्टराइजेशन फैसिलिटी टू एनेबल द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस ऑफ द डिवाइसेस। सी, रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन है एक ऐसा एडवांस इलेक्ट्रिकल कैटेगराइजेशन फैसिलिटी यहां पर बनाया है जो एनेबल करता है जिससे कि हम इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं डिवाइसेज और सर्किट्स की। तो क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब, कौन सा इंस्टीट्यूशन है विच इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सच काइंड ऑफ फैसिलिटी। लेट्स सी हु विल आंसर द क्वेश्चन इन द ऑप्शन। सो निखिल इज सेइंग ऑप्शन ए। सो गाइस, वंस अगेन आई एम सेइंग, व्हाट यू कैन डू, जस्ट टाइप द क्वेश्चन नंबर एंड देन पुट द ऑप्शन इन द चैट बॉक्स, जिससे कि मुझे भी क्लियर रहे कि भाई क्या है, आपने किस क्वेश्चन का यहां पर आंसर किया है। ठीक है जी, सो गाइस जब हम बात करें इस क्वेश्चन नंबर 4 की, सो द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन बी, दैट इज IIT दिल्ली। सो IIT दिल्ली इज क्वेश्चन का सही जवाब और निखिल ने बिल्कुल सही आंसर किया इस क्वेश्चन का, दैट इज IIT दिल्ली। AFS, प्लीज मेक श्योर दैट इन द एग्जाम इफ अ क्वेश्चन दिस क्वेश्चन कम्स देन द राइट आंसर विल बी IIT दिल्ली एंड नॉट IIT बॉम्बे। ठीक है जी, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो तो अगला क्वेश्चन है गाइस, आपको यहां पर बताना है कि कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट ने एक बायो रिएक्टर सिस्टम को यहां बनाया है विच एनेबल्स द एनरोबिक डाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फैट रिच स्लज फ्रॉम द डेयरी इंडस्ट्री। बेसिकली जो डेयरी इंडस्ट्री से आपका फैट रिच स्लज निकलता है उसकी एनरोबिक डाइजेशन हो सके, उसके लिए यहां पर एक कंट्री के रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने एक यहां पर बायोरिएक्टर सिस्टम बनाया है। व्हाट इज एग्जैक्टली द राइट आंसर है, कौन सी कंट्री है, सिंगापुर, USA, चाइना, इंडिया और जापान। सी गाइस, वंस अगेन यू कैन सी है कि जब ऐसी कोई यहां पर डेवलपमेंट होती है तो उससे रिलेटेड कौन सी चीज यहां पर फोकस रहती है, जो चीज फोकस रहती है, दिस इज बेसिकली द इंस्टीट्यूशन देन द कंट्री फ्रॉम विच दोज रिसर्चर्स, दोज साइंटिस्ट बेसिकली बिलोंग टू। तो जब हम बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो गाइज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज इंडिया। सो गाइज यहां पर याद रखिएगा, बहुत ही आसान है याद करना, कि इंडिया के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बेसिकली इस बायो रिएक्टर सिस्टम को यहां पर बनाया है विच एनेबल्स द एनएरोबिक डाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फैट विच कम्स फ्रॉम द डेयरी इंडस्ट्री। ठीक है जी, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, अगला क्वेश्चन यहां पर ये है, आपको बताना है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिसने रिसेंटली कहा है कि वी विल बी इन्वेस्टिंग $50 million टू पार्टनर विद ऑर्गेनाइजेशन टू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटावर्स। गाइस यहां पर एक सिंपल वर्ड से आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है। यहां पर वर्ड आया है मेटावर्स, और मेटावर्स किससे रिलेट करता है, अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो रिसेंटली
फेसबुक ने यहाँ पर मेटावर्स को लॉन्च किया था एंड गाइस फेसबुक इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज फेसबुक. सो गाइस फेसबुक को आप यहाँ याद रखिए, मेटावर्स से फेसबुक इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द मेटावर्स एंड दैट्स व्हाई हियर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज मेटावर्स एंड आई एम गेटिंग द राइट आंसर्स. निखिल, हिमांशु, नीलेश, सभी ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया. आई एम रियली ग्लैड गाइस दैट यू आर रॉकिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन. सो गाइस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is basically about one of the places. See, recently यहाँ पर कहा गया था कि United Nations की World Geospatial Information Congress हुई थी October 2022 में, इंडिया ने उसको होस्ट किया था. अब आपको बताना है कि उस पर्टिकुलर कांग्रेस को यहाँ पर कौन सी प्लेस पर होस्ट किया गया था, whether it's कोलकाता वेस्ट बंगाल, सूरत गुजरात, जयपुर राजस्थान, हैदराबाद तेलंगाना और नन ऑफ दी अबव. देखते हैं कौन देता है इस क्वेश्चन का सही जवाब सबसे पहले. सो गाइस सी, यहां पर एग्जाम के अंदर आपको मिलेंगे 80 क्वेश्चंस, ठीक है जी. टाइम होगा सिर्फ 25 मिनट्स का. सो यू आर नॉट हैविंग अ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जिससे कि आप एक क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम डेडिकेट कर सके. तो इसके लिए आपको अपने यहाँ पर स्पीड बहुत इंक्रीज करनी होगी, रीडिंग स्पीड पे बहुत ही खासा ध्यान देना होगा. और सबसे इंपॉर्टेंट है गाइज, वेन एवर यू आर जस्ट पिकिंग अप द क्वेश्चन, ऑलवेज पिक द की वर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चन जिससे कि आप उस क्वेश्चन के सही जवाब तक बहुत ही जल्दी से पहुंच सके, ठीक है. नाउ जब हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये जो कांग्रेस है ये बेसिकली इंडिया ने होस्ट की थी एंड दिस कांग्रेस was basically hosted in Hyderabad, Telangana. So option D is the right answer for this question. So I really believe कि आपको पता चला होगा कि किस तरीके से यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्या dimensions है, किस तरीके से आपको approach करना है question को, ठीक है. Moving on to the next question. So the researchers from the Oxford University have discovered a highly virulent strain of HIV. तो गाइज एक नया हाईली वायरुलेंट एचआईवी स्ट्रेन मिला है और आपको यहां पर क्वेश्चन में बताना है कि कौन सी कंट्री के अंदर ये स्ट्रेन पाया गया है. वेदर इट इज वाज फाउंड इन द नॉर्वे, नाइजीरिया, नीदरलैंड, नामीबिया और नन ऑफ द अबव. सो गाइज एक चीज यहां पर आप देख रहे होगी कि सारी कंट्रीज के नाम यहां पर स्टार्ट होते हैं एन से. तो इसी तरीके से एग्जामिनर्स यहां ट्रिक करते हैं आप लोगों को टू कंफ्यूज यू, कि भाई अगर आपको आता भी होगा क्वेश्चन तो आप एक बार कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई अगर आपको याद है कि चलो नॉर्वे में आया था, तो नॉर्वे में आया था तो आप सोचेंगे कि नाइजीरिया भी है, नीदरलैंड भी है, नामीबिया भी है, सब के सब एन से स्टार्ट हो रहे हैं. तो इसी लिए आपको इस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस तरीके के लिए स्ट्रेटेजिकली यहाँ प्लेस किया गया है सारे ऑप्शन को, जिससे कि आपके लिए बहुत ईजी रहे और आप वेल प्रिपेयर रहे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो गाइस जब हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज नीदरलैंड. सो नीदरलैंड है इस क्वेश्चन का सही जवाब. सो निखिल सेड इट्स ऑप्शन डी, नीलेश ने भी इसका ऑप्शन डी चूज किया, बट AFS ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, दैट इज ऑप्शन सी, नीदरलैंड. सो गाइस नीदरलैंड के अंदर यहां पर पाया गया है HIV का ये हाईली वायरलेंट स्ट्रेन, ठीक है जी. याद रखिएगा एग्जाम के अंदर ये आ सकता है बिकॉज इट इज द हाईली वायरलेंट स्ट्रेन ऑफ HIV विच हैज बीन रिसेंटली founded in the Netherlands, ठीक है जी. Now moving on to the next question. So guys, अगला question है आपका joint European torus के ऊपर. ये एक laboratory है जिसने एक record बनाया है producing the 59 megajoules from the fusion reaction. अब आपको बताना है कि ये जो JET laboratory है, that is the joint European torus laboratory, ये कौन सी country के अंदर based है, whether it is based in China, Israel, United Kingdom, USA और Japan, कौन सी country के अंदर ये laboratory situated है. So guys, जब हम बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम में यहां पे क्या पूछा जा सकता है, एक तो ये जो वैल्यू है 59 मेगा जूल्स की, दिस कैन आल्सो बी आज इन द एग्जाम. दूसरा, जिस लेबोरेटरी ने इसको प्रोड्यूस किया है, ये भी एग्जाम के अंदर आ सकता है. और तीसरी चीज, जो यहां पर आपको डायमेंशन प्रोवाइड की गई है जिस पर ये क्वेश्चन बेस्ड है, दैट इज कौन सी कंट्री में ये लोकेटेड है, जो ये JET है, जॉइंट यूरोपियन टोरस लेबोरेटरी, कौन सी कंट्री के अंदर है. एंड आई एम गेटिंग द आंसर्स फ्रॉम द पीपल हियर. नीलेश इज सेइंग ऑप्शन डी. Let's wait for others as well to answer this particular question. कौन सी कंट्री के अंदर ये बेसिकली यहाँ पर है. विक्रम सिंह, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग विक्रम, यू आर लेट इन द सेशन बट डू नॉट वरी, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 9 पर हैं. गाइस जल्दी जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है सही जवाब. AFS saying option A. So guys, the right answer is basically option C, United Kingdom. ये जो joint European Torus Laboratory है, this is basically located in the United Kingdom. I'm really sad कि सभी क्वेश्चंस का, सभी स्टूडेंट्स का यहां पर आंसर गलत आया है,
ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हरप्रीत कह रहे हैं कि सर इसके अलावा कुछ और पढ़ने की नीड है। सो गाइस सी, वी हैव ब्रॉट हेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 बेस्ट एमसीक्यूज फ्रॉम दीज फाइव कैटेगरीज, ठीक है। तो इन जो फाइव कैटेगरीज की जो नीड है, आई थिंक ये तो इसको फुलफिल कर ही देगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर मोर अदर इंपॉर्टेंट डायमेंशन जहां पर आपको पढ़ने की जरूरत है, जिनके ऊपर आप क्वेश्चंस बना सकते हैं और जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट स्टिल यहां पर हमने 100 बेस्ट एमसीक्यूज लेकर आए हैं, विच विल रियली बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोफेसर रमेश कुमार। प्रोफेसर रमेश कुमार हैं, आपको यहां बताना है कि कौन सी इंस्टीट्यूशन से ये बिलोंग करते हैं। अब गाइस, व्हाई ही वाज इन द न्यूज, बिकॉज ही हैज डेवलप्ड एन ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी फॉर द रिपेयर एंड रिस्टोरेशन ऑफ high valued components for the turbine blades and other aerospace components। So guys, जी, जो aerospace components हैं हमारे, वो जब एक ही बार use होने पे जो उनमें wear and tear होता है, उनको हम अगर दोबारा से reuse कर सके, क्योंकि अभी हम किस की तरफ बढ़ रहे हैं, reuse, recycle, इसके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा focus है। तो जब हम बात करेंगे इन particular चीज़ों की, तो that's why he was in the news, क्योंकि उन्होंने एक इस तरीके का autonomous technology create किया है। So guys, आपको बताना है कि ये प्रोफेसर रमेश कुमार belongs to which institution, IIT Bombay, IIT Delhi, IIT Bangalore, BITS Palani और IIT Mandi। So what is the right answer here to the question number 10? So guys, क्या है question number 10 का सही जवाब? Please tell me in the chat box what is the right answer to this question। प्रोफेसर रमेश कुमार बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पर नितिश ने किया है स्किप। सो गाइस सी, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डू नॉट नो द आंसर, डू नॉट मेक अ गेस इन द एग्जाम, जस्ट स्किप द क्वेश्चन। बट यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मिस्टेक करनी है, क्योंकि अपनी गलतियों से ही हम सीखते हैं। एंड गाइस, जब आप यहाँ पर मिस्टेक करेंगे, जितनी ज्यादा मिस्टेक्स करेंगे, उतना ही आपको यहाँ पर याद रहेगा और इट विल प्रिपेयर यू फॉर वेरियस इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या है सही जवाब। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज आई आई टी बॉम्बे। सो आई आई टी बॉम्बे इज बेसिकली द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। एंड सप्तपर्णी, हिमांशु, इन सभी ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। वेल डन गाइस, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली ऑटोमेटिक ट्रेन एंटी कोलिजन सिस्टम, जिसको हम जानते हैं ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम के नाम से भी, जिसको बनाया है इंडियन रेलवेज ने। अब आपको बताना है कि उसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। इट इज रेल क्योर, कवच, रेल यंत्र, अर्जुन और त्रिशूल। क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब? लेट्स सी दैट हु विल आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन करेक्टली। व्हाट इज द राइट आंसर हियर गाइस? प्लीज डू नॉट वरी, अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्गली आंसर आप कर पा रहे हो, तो डू नॉट वरी अबाउट इट। ये सेशन है ही इसलिए जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक्स कमिट कर सके और ज्यादा से ज्यादा सीख सके फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस, जब हम बात करें इस क्वेश्चन की, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज कवच। और सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, दैट इज कवच। सो गाइस, दिस इज बेसिकली द सिस्टम विच इज द ऑटोमेटिक ट्रेन एंटी कोलिजन सिस्टम विच हैज बीन रिसेंटली डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवेज। सो गाइस, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके ऊपर कि इसको अभी ऑपरेशनल कहां किया गया है। सो इट इज बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ द सदर्न सेंट्रल रेलवे कमांड, दैट इज लिगमपली एंड विक्रमाबाद सेक्शन। ठीक है जी, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है आपका एक सुपर कंप्यूटर पे, जिसे कि रिसेंटली आईआईटी बैंगलोर ने इंस्टॉल किया है और कमीशन किया है। आपको बताना है उस सुपर कंप्यूटर का सही जवाब क्या है, उसका नाम। इट्स बेसिकली इट इज परम संगणक, परम शिवाय, परम प्रवेग, परम सिद्धि और परम ब्रह्मा। क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर सुपर कंप्यूटर विच हैज बीन रिसेंटली इंस्टॉल्ड। और गाइज, उसके ऊपर यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक दी है उसकी, दैट इज इट्स कैपेसिटी। सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी उसकी कितनी है, दैट इज 3.3 पेटाफ्लॉप्स। तो 3.3 पेटाफ्लॉप्स है उसकी यहां पर सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी। और देखते हैं कौन देता है इस क्वेश्चन का सही जवाब, और निशा ने दिया इस क्वेश्चन का सही जवाब। निशा, नितिश, ऑल ऑफ देम हैव आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली, दैट इज परम प्रवेग। परम प्रवेग इज द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ये जो सुपर कंप्यूटर है, इट हैज बीन क्रिएटेड अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो गाइज, ये भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, याद रखिएगा। और यहां पर जब बात करें हम पेटाफ्लॉप्स की, सी, अगर हम बात करें पिछले साल के आरबीआई के एग्जाम की, वहां पर उन्होंने बहुत ही बेसिक रखा था एग्जाम का, जो
हमारा लेवल था, थोड़े इनडेप्थ क्वेश्चन थे बट देवर बेसिक इन नेचर। जब हम बात करें यहाँ पर पेटाफ्लॉप की, तो गाइज आपको पेटाफ्लॉप के बारे में पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितने ऑपरेशंस एक सेकंड के अंदर होते हैं। सो बेसिकली इट इज वन पेटाफ्लॉप इक्वल्स टू 10^15 ऑपरेशंस पर सेकंड। तो यहां पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि आपके लिए जरूरी है याद रखनी, ठीक है जी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप नो हो अबाउट द क्वांटम encryption when its scientists have used the real-time quantum key distribution. See guys, recently एक यहाँ पर tech हुआ था, एक test किया गया था जिसमें quantum encryption का इस्तेमाल किया गया। अब आपको बताना है कि कौन सी country यहाँ पर world में पहली country बनी है across the world जिसको जिस बेसिकली विच हैज डेवलप्ड द नो हाउ अबाउट द क्वांटम एनक्रिप्शन। सो व्हाट इज द राइट आंसर? फ्रांस, जापान, यूएसए, इंडिया, यूएई। सो गाइस प्लीज टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कौन सी कंट्री यहां पर पहली कंट्री बनी है? एंड निर्लेश, निशा, अदिति, एवरीबडी इज ऑप्टिंग आर इंडिया एंड दैट इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इंडिया। सो गाइस इंडिया बना है ऐसा पहला देश जिसने बेसिकली डेवलप किया है क्वांटम एनक्रिप्शन के ऊपर चीजों को, ठीक है जी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसरो हैज डीकमिशन्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सो रिसेंटली एक इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो कि पार्ट है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम का, उसको डीकमिशन किया था इसरो ने। तो गाइस आपको बताना है उस पर्टिकुलर सैटेलाइट का नाम क्या है, उसका नाम वेदर इट्स रोहिणी, RS-1, InSat-4B, भास्कर, आर्यभट्ट और स्ट्रॉस। What is exactly the right answer? What is the name of this particular satellite which has been recently decommissioned by ISRO? So guys, जल्दी जल्दी बताइए क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या है सही आंसर। एंड हियर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज InSat-4B। सो गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस का आंसर कीजिए बिकॉज आई एम हैविंग अ वेरी हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस कराने हैं और उसके बाद एक सरप्राइज भी है आप लोगों के लिए। तो गाइस हमें, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हम इन सभी क्वेश्चंस को रिवाइज करें, तो जल्दी जल्दी यहाँ पर आंसर्स कीजिए क्वेश्चन का, जिससे कि हम जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को कवर करें, अच्छे से कवर करें और एग्जाम के लिए आपके पास बेटर और ज्यादा टाइम मिले जिससे कि आप रिविजन कर सके, ठीक है जी। सो सभी को बच्चों ने यहाँ पर दिया है इस क्वेश्चन का सही जवाब, दैट इज ऑप्शन बी, InSat-4B। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस अगले क्वेश्चन में आपको बताना है उस इंडिया की टेलीकॉम कंपनी का नाम जिसने रिसेंटली SES नाम की कंपनी के साथ यहां पर टाई अप किया है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट वेंचर व्हिच इज गोइंग टू प्रोवाइड सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन इंडिया। तो क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब, क्या है उस कंपनी का नाम जिसने रिसेंटली MOU साइन किया है SES जो कि ग्लोबल सैटेलाइट बेस्ड कंटेंट कनेक्टिविटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। तो उसने कौन सी कंपनी के साथ यहां पर दोस्ती यारी अपनी बढ़ाई है? गाइस आपको भी दोस्ती यारी बढ़ानी होगी इन टॉपिक्स के साथ जिससे कि आप एग्जाम को सक्सेसफुली क्लियर कर सके। सी हम यहाँ पे देखते हैं कि बच्चे पूछते हैं कि भाई फेज टू में जब ये नहीं आएगा तो गाइस हम क्यों करें, ठीक है। तो बहुत ही सही जवाब है गाइस, फेज टू में जाने के लिए इन पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। फेज वन क्लियर होगा देन यू विल मूव ऑन टू द फेज टू, तो उसके लिए इन सभी टॉपिक्स को आपको कवर करना बहुत जरूरी है। एंड दिस इज द रीजन दैट वी हैव ब्रॉट दीज 5 टॉपिक्स इन दिस पर्टिकुलर सेशन, ठीक है जी। सो आई एम गेटिंग द राइट आंसर, द राइट आंसर इज बेसिकली ऑप्शन सी, दैट इज रिलायंस जियो। नितेश, निलेश, विक्रम, उत्कर्ष एंड सप्तपर्णी सभी ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज रिलायंस जियो। सो गाइस एक ऐसा ही MOU यहां पर साइन किया है भारतीय एयरटेल ने भी, क्या है उस पर्टिकुलर कंपनी का नाम? तो उसका नाम है हक्स कम्युनिकेशन इंडिया। तो हक्स कम्युनिकेशन इंडिया के साथ भारतीय एयरटेल ने भी एक ऐसा MOU साइन किया है टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड सर्विसेज, सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है जी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन यहां पर है कि भाई रिसेंटली यहां पर अनाउंस किया गया था डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के जो डायरेक्टर है उन्होंने ये बताया था कि भाई हम एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड मैंड अंडर वाटर सबमर्सिबल व्हीकल बनाने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको यहां बताना है कि उसका नाम क्या है, व्हीकल जो यहां पर लॉन्च करने वाले हैं उसका क्या नाम है और कौन से ईयर तक इस व्हीकल को लॉन्च किया जाएगा फॉर द समुद्रयान मिशन। सी गाइस दिस नेम इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, समुद्रयान मिशन जिसके अंदर हम बेसिकली एक्सप्लोर करने वाले हैं अपने सी को। तो उसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मिशन लॉन्च किया था। अब आपको बताना है कि भाई ये जो व्हीकल है जिसका इस्तेमाल होगा इस मिशन के अंदर, ये कौन से साल तक आएगा और वो कौन से ईयर तक आएगा, क्या नाम है उसका, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी। आई एम गेटिंग द राइट आंसर हियर, दैट इज
Massey 6000. And guys, here if you know just the name, अगर आपको सिर्फ नाम पता है ना इसका, then also you can just answer the question correctly. That is, year is already यहाँ पर constant here. आप देख सकते हो कि year जो रखा गया है यहाँ पर 2024 को constant रखा गया है. तो आपको यहाँ पर बताना है सिर्फ कि नाम क्या है. The name of that vehicle is Massey 6000. And everybody have answered the question correctly. That is Massey 6000. ठीक है जी. Moving on to the next question. So guys, उससे पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा समुद्रयान मिशन के बारे में. इट इज इंडियाज फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन विच एम्स टू सेंड डीप सी टू सेंड पीपल हेयर अंडर द डीप सी फॉर डीप ओशन एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ द रेयर मिनरल्स विच आर अंडर द सी. एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो गाइस, अगला सवाल ये है, आपको बताना है फिर से एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम विच इज गोइंग टू इन्वेस्ट 15,000 crores इन हैदराबाद तेलंगाना. सो गाइस, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर कुछ डेटा सेंटर्स को इंस्टॉल किया जाएगा और आपको बताना है कि कौन सी यहाँ पर कंपनी है जो कि इन्वेस्ट करेगी 15,000 crores इन पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर टू इंस्टॉल डेटा सेंटर्स. तो क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 17, गूगल, फेसबुक, एप्पल, INC, माइक्रोसॉफ्ट, स्पेसएक्स. व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? नीलेश सिंह ऑप्शन डी, AFS is saying Microsoft and everybody is saying that it is Microsoft and this is absolutely the right answer. Guys, यहाँ पर क्या-क्या याद रखने की जरूरत है? यहाँ पर तीन डायमेंशन पर क्वेश्चंस आ सकते हैं. द वेरी फर्स्ट डायमेंशन इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट. द सेकेंड डायमेंशन इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर place, that is Hyderabad, Telangana. And the third thing is, which is really very important for you to cover, that is this amount, that is rupees 15,000 crores. So guys, yahan se teen question yahan par basically cover kiye ja sakte hain. To agar hum baat kare 100 questions hum kar rahe hain, agar aise hum baat kare har dimension par kitne questions ho sakte hain. So basically with this session you are preparing 300 MCQs. 300 questions यहाँ पर आपकी revision होने वाली है इस particular session में. Now moving on to the next question. So the next question is basically India's first artificial intelligence park. So guys, India का पहला artificial intelligence और robotics technology park यहाँ पर कौन सी institution में उसको install किया गया है with a seed money of 230 crore rupees. So what is the name of the institution जहाँ पर India का ये पहला artificial intelligence and robotics technology park को inaugurate किया गया है? It's IIT Delhi, BITS Pilani, IIT Bangalore, IIT Bombay or none of the above. What is the right answer to this particular question? Let's see who will answer this particular question correctly. And Nisha is saying IIC, AFS, Nilesh, everybody is saying that it is IIC Bangalore and that is absolutely the right answer to this question. IIC के अंदर इंडिया का पहला artificial intelligence और robotics technology park यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है. और गैस यहाँ पर ये क्यों है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क. सो फ्रॉम हेयर यू कैन जस्ट सी कि क्यों है ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट जो कि हम लेकर आए हैं इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर. ठीक है जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो 2022 की मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस यहाँ पर कौन सी कंट्री के अंदर इसको होस्ट किया गया था? विच इज द प्लेस which hosted the Mobile World Congress 2022. Let's see who will answer the question correctly. London, UK, Barcelona, Spain, New York, USA, Paris, France or New Delhi, India. What is the right answer to this particular question? Mobile World Congress 2022. See, ऐसी जो conferences हैं, congresses हैं, ऐसी जो भी यहाँ पर important meetings हैं, जब भी ये meetings आती हैं, तो guys आपको क्या करना है, वो कौन सी place में हुई है, उस meeting की theme क्या थी, आपको इन सब dimensions के ऊपर तैयारी करनी है, इस topic को पढ़ना है. And I'm getting the right answers here. That is option B, Barcelona, Spain. So सभी ने इस question का दिया है सही जवाब. Nisha, Satpani, Utkarsh, Swanti, everybody has answered the question correctly. Now moving on to the next question. So the next question is construction of the unit 6. See, construction of unit 6 has begun for the Kundankulam nuclear power plant. So guys, आप देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से question आ सकता है. लास्ट ईयर भी यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था जो कि राजस्थान के अंदर एक एटॉमिक पावर प्लांट था और यहाँ पर पूछा था कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है. तो उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर बताया गया है कि करंट अफेयर्स में था कि उसकी यूनिट 6 की जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो स्टार्ट हो गई है, दैट इज कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट. अब वो कौन सी स्टेट के अंदर लोकेटेड है? कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना. व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? एंड एवरीबॉडी इज सेइंग दैट इट इज ऑप्शन सी, तमिलनाडु, एंड दिस इज एब्सोल्युटली राइट. द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, तमिलनाडु. सो तमिलनाडु इस क्वेश्चन का सही जवाब. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो रिसर्चर्स फ्रॉम व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैव डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई प्रोसिक्यूटर मशीन? सो गाइस,
दुनिया की पहली वर्ल्ड्स फर्स्ट, दिस इज द रीजन दैट व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. तो आपको बताना है कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसिक्यूटर मशीन यहां पर कौन सी कंट्री ने बना दी है. व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइस, काइंडली फॉलो दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन कि भाई क्वेश्चन नंबर और उसके बाद ऑप्शन, जिससे कि मुझे भी इजी रहे टू जस्ट आइडेंटिफाई कि कौन से क्वेश्चन का आप लोग कर रहे हैं आंसर. ठीक है जी, तो जल्दी जल्दी बताइए कि क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब, कौन सी कंट्री ने यहां पर, कौन सी देश यहां पर पहला देश बनाया जिसने बनाई है पहली एआई प्रोसिक्यूटर मशीन. एंड आई एम गेटिंग द राइट आंसर्स हियर, पीपल आर ऑप्टिंग फॉर ऑप्शन बी, दैट इज चाइना, एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो गाइस, चाइना ने बनाया है वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसिक्यूटर मशीन. और हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर. एंड गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली हियर द ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने ग्रांट किया है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन. अब वो इंडिया की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन बनी है. और आपको बताना है उस वैक्सीन का नाम. व्हाट इज द राइट आंसर, कोबीवैक्स, ज़ाइकोव डी, स्पाइकवैक्स, वैक्सवेरिया और कोवोवैक्स. व्हाट इज द राइट आंसर हियर. सो गाइस, इंडिया की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन. सो गाइस, जल्दी जल्दी बताइए क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. And here people are opting for option A, that is Kobivax. And some people are opting for option B. So guys, see, यहाँ पर आ चुकी है थोड़ी बहुत confusion. And guys, when we talk about the right answer to this question is Kobivax. Exam के अंदर question आता है, तो याद रखिएगा, December 2021 के अंदर एक emergency use authorization provide किया गया था इंडिया की पहली indigenously developed RBD protein subunit vaccine. So guys, क्यों important है ये, क्योंकि इंडिया की पहली indigenously developed RBD protein subunit vaccine है, that's why it is important. And here the right answer to the question is Corbivax. So guys, this was the 21st question, and now we are moving towards the 22nd question of the today's session. And the question is, once again, what you are required to do, you are required to just identify the name of the country. So guys, recently a country ne conduct kiya hai nuclear fusion experiment, aur usko yahan par naam rakha hai experimental advanced supercomputing tokamak. Theek hai ji, उस रिएक्टर का जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सन. सो गाइस, आर्टिफिशियल मून हमने देखा था जो कि चाइना ने क्रिएट किया था. अब बात करते हैं आर्टिफिशियल सन की. तो क्या है बेसिकली इस क्वेश्चन का सही जवाब, जिसने बेसिकली, कौन सी कंट्री जिसने न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है. इट्स चाइना, यूएसए, फ्रांस, जापान और जर्मनी. व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. एंड पीपल हियर आर ऑप्टिंग फॉर ऑप्शन ए, दैट इज चाइना, एंड दैट इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर. चाइना इस क्वेश्चन का सही जवाब. सो आई एम रियली सीइंग एंड आई एम रियली ग्लैड टू सी कि सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, दैट इज चाइना. सो गाइस, इसी तरीके से आज के सेशन के अंदर हम इन पांचों टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से करेंगे कवर, जिससे कि एग्जाम के लिए ये आपके पेन पॉइंट्स बन जाएंगे, इजी पॉइंट्स, and you will score maximum marks in the exam. Theek hai ji, moving on to the next question. So guys, next question is here on your screen. Researchers from which of the following institutes have developed recyclable cost effective solar cells. Guys, solar energy ki taraf hum yahan par badh rahe hain, bahut zyada usko promote kiya ja raha hai. Ab yahan par unhone bahut hi अच्छी यहां पर डेवलपमेंट की है, दैट इज रिसाइक्लेबल कॉस्ट इफेक्टिव सोलर सेल्स. और आपको बताना है कि ये रिसर्चर्स जो हैं ये कौन से इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं. फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट दीज रिसर्चर्स बेसिकली बिलोंग्स टू. इट्स आईआईटी बैंगलोर, आईआईटी दिल्ली, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी पिलानी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी और एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई. सो गाइस, क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब, ये रिसर्चर्स कौन से इंस्टीट्यूट से हैं. एंड हियर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, दैट इज आईआईटी गुवाहाटी. और नीलेश ने दिया इस क्वेश्चन का सही जवाब, दैट इज आईआईटी गुवाहाटी. सो गाइस, दिस इज द राइट आंसर. उत्कर्ष ने भी इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है. वेल डन ऑल ऑफ यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली. एंड जिन्होंने इस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दिया है, वी हैव प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस फॉर देम टू कमिट मिस्टेक्स एंड टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, क्योंकि मिस्टेक्स से सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ठीक है जी, मूविंग ऑन टू द 24th क्वेश्चन. सो गाइस, वंस अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्यों इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो, इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट. तो गाइस, इंडिया का पहला माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट ये कहां पर बना है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, और ये आपको एग्जाम में पहले ही दे दिया गया है. ठीक है जी, दे दिया है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, यहां पर इसकी कंस्ट्रक्शन बिगिन हुई है. अब आपको बताना है कि बेसिकली इस प्रोजेक्ट को डिजाइन कौन सी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कर रही है, विच पीएससी इज बेसिकली डिजाइनिंग दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, दैट इज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट. क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब, एंड पीपल आर ऑप्टिंग फॉर ऑप्शन ए, दैट इज एनटीपी
NTPC, and that is absolutely the right answer. That is National Thermal Power Corporation. So guys, NTPC is question ka sahi jawab, and I really believe and I'm really happy ki sabhi bachchon ne is question ka sahi jawab diya hai. JP Monty, Maharathi, Saptparni, Aditi, Mrunal, sabhi question, sabhi ne is question ka sahi jawab diya hai. And guys, yahan par hamari finish hoti hai technologies wali जो टॉपिक है, ठीक है. अब हम बात करेंगे एनवायरनमेंट के टॉपिक की, ठीक है जी. एनवायरनमेंट को भी हम करेंगे सितंबर टू मार्च से बीच में. जो भी इंपॉर्टेंट यहां पर न्यूज आर्टिकल से विच कवर्स द कैटेगरी ऑफ एनवायरनमेंट वी विल बी कवरिंग इन द टुडे सेशन. सो गाइस, जब हम बात करें एनवायरनमेंट सेक्शन की, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे. यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं बेसिकली कि कहीं पर कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन आ गए, जैसे कि तौक्ते आया था लास्ट ईयर. जब हम बात करें इस पर्टिकुलर कैटेगरी की, यहाँ पर आते हैं नई स्पीशीज जो फाउंड होती है, कभी फाउंड होती है फ्रॉग की, कभी होती है गीको की. सो गाइस, ऐसी जो भी नई स्पीशीज हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस हम लाए हैं अपने सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, दैट इज एनवायरनमेंट. सो गाइस, यहां पर पहला सवाल है आप सभी की स्क्रीन पर. व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, जस्ट टाइप वन एंड आंसर ए बी एंड सी, व्हाट एवर योर राइट आंसर इज. सो गाइस, जल्दी जल्दी पढ़िए इस क्वेश्चन को और बताइए क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब. तो रिसेंटली फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने यहां पर डिस्कवर किया था 25 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल ऑफ एन एंशियंट ईगल. सो गाइस, एक ईगल का यहां पर 25 मिलियन साल पुराना एक फॉसिल यहां पर फाउंड किया गया है. फ्लिंडर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने आपको बताना है कि ये जो जगह है जहां पर ये मिला है, दैट इज लेक पिंपा, ये कौन सी कंट्री के अंदर लोकेटेड है. ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रिया और कनाडा, व्हाट इज द राइट आंसर है. एंड मृणाली सिंह, इट इज ऑप्शन ए. बट ये किस क्वेश्चन का जवाब है गाइस, प्लीज आई एम टेलिंग यू रिपीटेडली कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर लिखिए और फिर दीजिए उसका सही जवाब. एंड हियर आई एम गेटिंग द राइट आंसर्स. People are opting for option A, that is Australia, and that is absolutely the right answer. That is Australia. So guys, Australia is question ka sahi jawab, aur sabhi ne diya is question ka sahi jawab. Now we are moving towards the next question. So the next question is, recently the scientists from the Zoological Survey of India. So guys, Zoological Survey of India ke scientists ne ek white checked macaque कि नई स्पीशी को यहाँ पर फाउंड किया है, जिसको हमने यहाँ पर डाला है मैमल लिस्ट ऑफ इंडिया के अंदर. और आपको बताना है कि ये जो फाउंड किया गया है, इसे ये कौन सी स्टेट में पाया गया है. सो बेसिकली साइंटिस्ट जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने फाउंड किया है व्हाइट चेक मैकेक, विच हैज बीन एडेड इन द मैमल लिस्ट ऑफ इंडिया. नाउ यू हैव टू टेल मी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स दिस पर्टिकुलर मैमल वॉज बींग फाउंड बाय दी साइंटिस्ट. एंड पीपल आर हेयर ऑप्टिंग फॉर ऑप्शन बी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश. लेट्स वेट फॉर द अदर्स एज वेल. क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब, कौन सी है ये स्टेट जहां पर मिले हैं हमें ये व्हाइट चेक्ड मैकेक. एंड आई एम गेटिंग द राइट आंसर्स, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश. सभी ने दिया इस क्वेश्चन का सही जवाब. वेल एंड गाइस, आई एम रियली ग्लैड कि आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे रहे हैं. एंड गाइस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ न्यू गीगो स्पीशीज व्हिच हैज बीन नेम्ड एज दिस, हेमिडा टाइसलस एसई. सो गाइज, ये एक नई गीको स्पीशीज है और आपको वंस अगेन बताना है कि भाई ये कौन सी जगह पर पाई गई है. सी, यहां पर आपको एक छोटे से हिंट दी गई है, दैट इज नेम ऑफ द हिल. यहां पर बताया कि हिल्स ऑफ अटापडी. सो हिल्स ऑफ अटापडी में यहां पर इस पर्टिकुलर स्पीशीज को पाया गया है और आपको बताना है कौन सी स्टेट है जहां पर ये हिल्स बेसिकली लोकेटेड है. व्हाट इज द राइट आंसर है, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरला, गोवा, तमिलनाडु, व्हाट इज बेसिकली द राइट आंसर, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स. एंड गाइस, आई एम गेटिंग द राइट आंसर हियर, पीपल आर ऑप्टिंग फॉर ऑप्शन सी, दैट इज केरला, एंड दिस इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर्स. सो गाइस, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इफ यू आर एंजॉइंग द सेशन देन प्लीज टाइप येस इन द चैट बॉक्स, जिससे कि मैं अभी यहां पर देखूं कि बेसिकली वेदर यू आर एंजॉइंग दिस सेशन और नॉट. सो गाइज, प्लीज मजा आ रहा है सेशन के अंदर, देन प्लीज टाइप येस इन द चैट बॉक्स. एंड आई एम गेटिंग द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, द राइट आंसर इज ऑप्शन थ्री, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज केरला. सो गाइज, केरला था इस क्वेश्चन का सही जवाब. और आप यहां पर देख सकते हो, यू कैन जस्ट सी हियर, और यहां पर हम डायमेंशंस को अगर डिफाइन करें तो गाइज क्या क्या डायमेंशंस हैं. यहां पर एक डायमेंशन है लोकेशन की, कहां पर ये पाई गई है. दूसरी चीज है ये स्पीशी, जिसकी नई स्पीशी यहां पर मिली है. और तीसरी चीज है उसका नाम. सो गाइज, इन तीन डायमेंशंस पर आप यहां पर कर सकते हो. आई एम गेटिंग द आंसर्स हियर, आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द पीपल. यस 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 यस, ओके, देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ट्रॉपिकल साइक्लोन. सो गाइज, एज आई हैव मेंशन अर्लियर व्हाइल स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि भाई साइक्लोन्स और ऐसे ऐसे जो डिजास्टर्स यहां पर आते हैं, तो दीज आर ऑल्सो बीन कवर्ड इन द एनवायरमेंट न्यूज. एंड नाउ वेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो यू हैव टू जस्ट नेम द
tropical cyclone which has recently made landfall on the east coast of Madagascar. So guys, कल हमने यहाँ पर question देखा था जो कि सिडबी ग्रेडे के अंदर आया था, जहाँ पर Madagascar की capital दे दी गई थी और पूछा था कि जो green triangle यहाँ पर inaugurate हुआ है, ये इस particular place पर हुआ है, आपको बताना था country का नाम. So guys, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस Madagascar से related आपको यहाँ पर कुछ static part भी करने की ज़रूरत है. That is what here is, it is required from the Madagascar. What you are required to do, you are required to also remember its capital, its president, its prime minister. So guys, ye jo cheeze hai na, dimensions, inke upar questions are being asked in the exams, and that's why it is important. And let's see ki kya hai is particular tropical cyclone ka sahi jawab. And I am getting the right answers. The right answer is Basirai. So Basirai is the right answer. It is the name of that tropical cyclone which has recently made landfall on the east coast of Madagascar. Now we are moving towards the next question. So guys, agla question hai, aapko batana hai national park ka naam, which is located in the state of Assam. So once again, a very easy question for all of you. एक हलवा question है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी hint यहाँ पर आपको पहले ही दे दी है question के अंदर, कि एक national park जो कि located है असम के अंदर है, और उस national park के बारे में यहाँ पर ये question में आया है, guys. See the reason behind that. It has been termed as a net carbon emitter. जब हम बात कर रहे हैं कि India will become carbon net emitter free by year 2070. जो कि हमारे COP26 समिट में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा, और वहां पर एक नेशनल पार्क को जब हम यहां पर घोषित करें, दैट इट इज अ नेट कार्बन एमिटर, दैट मींस इट इज रिलीजिंग मोर कार्बन देन इट इज अब्सॉर्बिंग. सो दैट्स व्हाई इट वाज इन द न्यूज, एंड दैट्स व्हाई यू आर रिक्वायर्ड टू कवर हियर. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द राइट आंसर टू द क्वेश्चन, द राइट आंसर इज एब्सोल्युटली ऑप्शन बी, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क. सो सभी ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है. निखिल, उत्कर्ष, इंद्रप्रीत, सप्तर्णी, स्वांति, नीलेश, सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया. रियली ग्लैड टू सी दिस. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो गाइस, रिसेंटली इट वाज नोटेड दैट द टाइगर पॉपुलेशन इन द सरिस्का टाइगर रिजर्व, सी रिसेंटली नोट किया गया था कि जो टाइगर पॉपुलेशन है सरिस्का टाइगर रिजर्व में, वो बढ़ गई है. क्वेश्चन के अंदर क्या है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कौन सी जगह पर लोकेटेड है. और गाइज, एक ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट ईयर RBI ग्रेड बी के फेज वन के अंदर आया था, जहां पर उन्होंने एटॉमिक पावर प्लांट का नाम दिया था, और आपको क्या बताना था, यहां पर उस पर्टिकुलर स्टेट के सारे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको दे दिया गया था, और आपको बताना था कि क्या है उस डिस्ट्रिक्ट का सही जवाब. सो जब हम बात करें सरिस्का टाइगर रिजर्व की, वी ऑल नो दैट इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. तो गाइस, राजस्थान के अंदर यहां पर 5 डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए गए हैं, ठीक है. तो अब आपको देखना है कि किस लेवल पर आपको यहां पर तैयारी करनी है, whether it's अलवर, बाड़मेर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर और श्री गंगानगर. तो आपको यहां पर देखना होगा कि किस लेवल से आपको तैयारी करनी है. आपको यहां पर एक और डायमेंशन को छेड़ना होगा, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट इन विच दिस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड. तो जब हम बात करें इस क्वेश्चन के सही जवाब की, तो राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज अलवर. तो अलवर इस क्वेश्चन का सही जवाब, सभी ने दिया इस क्वेश्चन का सही जवाब. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो गाइज, वंस अगेन अ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन अ स्पीशी, दैट इज अ न्यू स्पीशी ऑफ गीको. सो गाइज, रिसेंटली एक नई स्पीशी गीको की कहां पर पाई गई थी, इट वॉज बींग फाउंड इन उमरोई मिलिट्री स्टेशन, और उसको नाम दिया है इंग्लिश. It has been given the English name, that is Indian Army's Bent-toed Gecko, to honor the contribution of the Indian Army. So, आपको ये बताना है कि ये जो उमरोई मिलिट्री स्टेशन है, ये कौन सी स्टेट के अंदर लोकेटेड है. सी, उमरोई मिलिट्री स्टेशन कहां पर है, इट इज लोकेटेड इन द रीगोई डिस्ट्रिक्ट. अब गाइस, सी यहां पर आपको दो चीजें दे दी गई हैं, उमरोई मिलिट्री स्टेशन ये भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, ये भी आ सकता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आ सकता है, और यहां पर कौन सी स्पीशी मिली है, गीको की स्पीशी मिली है, तो गाइस उसका नाम भी आ सकता है, दैट इज इंडियन आर्मीज बेंट टोड गीको. सो जब हम बात करें इस क्वेश्चन के सही जवाब की, गाइस हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मेघालय, दैट इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली प्रेजेंटेड इट्स डिसेंट. सी, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी यहां पर एक स्टेट के अंदर बनने वाली है, उसकी कंस्ट्रक्शन पर काम स्टार्ट होने वाला है, बट उस स्टेट की गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने अपना डिसेंट दिया है, दैट इज उन्होंने बताया है कि भाई हम बहुत ही चिंता में है कि ये एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी यहां पर हमारी जगह पर बनने वाली है. उसका रीजन है एनवायरमेंटल कंसर्न. तो बेसिकली आपको बताना है कि उस स्टेट का नाम क्या है जिसने डिसेंट दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, विच हैज प्रोवाइडेड दिस डिसेंट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सो गाइस, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, इट्स केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटका. एंड आई एम नॉट गेटिंग द answers from here people, so guys please tell me what is the right answer. And Nitish is saying okay, Nitish is in the full swag, he is just
sending us the emoji, and then he is saying that the right answer is option B. Okay, that's also good. So guys, the right answer to the question is option B, that is Tamil Nadu. Tamil Nadu is question ka sahi jawab, jisne recently dissent diya hai Supreme Court of India ko. Now moving on to the next question. So the next question is rain bomb. So guys, एक rare phenomenon है rain bomb which has caused fatalities due to the accompanying flash floods. आपको बताना है कि कौन सी country ने इस particular phenomena से यहाँ पर उनको fatalities हुई है, कौन सी country, which country was being struck by this rain bomb phenomena. Please tell me in the chat box what is the right answer. Ukraine, Australia, Mozambique, Madagascar, USA. Was it one of the bomb which has been used by Russia over the Ukraine? Guys, please tell me in the chat box क्या इस question का सही जवाब rain bomb. What is the right answer? It's Ukraine, Australia, Mozambique, Madagascar or USA. Let's see who will answer the question correctly. And I'm getting the right answers here. That is option B, Australia. So Australia is the country which has been basically stricken by this particular rain bomb phenomena. I hope that this is very much clear. Reshma, Utkarsh, Nitish, sabhi ne this question ka sahi jawab. Moving on to the next question. So recently scientists have discovered the world's largest known crater. Guys, crater kya hota hai? This is a bowl shaped crescent which has been made on the land. So guys, ye ek hai jo ki aapko paya jata hai. ये आपका पाया जाता है गाइस इस पर्टिकुलर यहाँ पे, ठीक है जी. वर्ल्ड का लार्जेस्ट नोन क्रेटर जो कि 1 लाख ईयर्स ओल्ड है गाइस, आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री में पाया गया है. सो गाइस, जहां पर वॉल्केनो होता है वहां पर उसके आसपास ये पाया जाता है. सो गाइस, अब आपको बताना है कि क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब. You have to just tell me in which country this particular largest crater has been located. क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब. उत्कर्ष, नितेश, इंद्रप्रीत, everybody is just opting for option C, that is China. I'm really see, मुझे लग रहा है कि आप सबने क्वेश्चन पहले ही देख रखे हैं क्योंकि सभी इस क्वेश्चन का दे रहे हैं सही जवाब. So guys, now moving on to the next question. So the next question is scientist from the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, that is CSIRO, has spotted a rare pink handfish. So guys, ये रेयर पिंक हैंडफिश मिली है और आपको बताना है कि कौन सी कंट्री के अंदर ये रेयर पिंक हैंडफिश यहाँ पर पाई गई है. वेदर इट्स ऑस्ट्रेलिया, इटली, न्यूजीलैंड, मेडागास्कर और मैक्सिको. व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. कौन सी कंट्री में ये रेयर फिश मिली है, रेयर पिंक हैंडफिश. लेट्स सी हु विल आंसर द क्वेश्चन करेक्टली. क्वेश्चन नंबर 11 का क्या है सही जवाब. लेट्स सी हु विल आंसर द क्वेश्चन करेक्टली. एंड लेट्स वेट फॉर योर रिस्पॉन्सेज इन द चैट बॉक्स. ऑस्ट्रेलिया, इटली, न्यूजीलैंड, मेडागास्कर, मैक्सिको. एंड गाइज, हियर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑस्ट्रेलिया. सो गाइज, वंस अगेन द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, जहां पर मिला है ये पर्टिकुलर रेयर पिंक हैंडफिश. सो उत्कर्ष, रेशमा, सभी ने दिया इस क्वेश्चन का सही जवाब, दैट इज ऑस्ट्रेलिया. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज बीन लिस्टेड अंडर द एंडेंजर्ड कैटेगरी टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स रेड लिस्ट. सो गाइस, आपको बता रहा है कि इनमें से कौन सी स्पीशीज है जिसको रिसेंटली लिस्ट किया गया था अंडर द एंडेंजर्ड कैटेगरी. इट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन, ड्रैगन फ्लाई, इंडियन वल्चर और हिमालयन क्वेल. व्हाट इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 12. क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब. सो गाइस, यू कैन सी हियर कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आते हैं. अभी हम कर रहे हैं एनवायरमेंट की कैटेगरी, और एनवायरमेंट की कैटेगरी हमने देखा कि यहाँ पर नए स्पीशीज के बारे में या फिर जो रिसेंटली लैंडफॉल हुआ है ड्यू टू अ ट्रॉपिकल साइक्लोन उसका नाम पूछा गया. रेन बॉम्ब यहाँ पर एक कंट्री के ऊपर हुआ तो उस कंट्री का नाम पूछा गया. सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस डायमेंशन पे आपको काम करना है, किन डायमेंशन पे आपको जरूरत है पढ़ने की. एंड गाइस, व्हेन वी टॉक अबाउट द राइट आंसर हियर एंड पीपल आर बेसिकली ऑप्टिंग फॉर ऑप्शन ए, दैट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. बट गाइस, इट इज नॉट द राइट आंसर. द राइट आंसर इज ड्रैगन फ्लाइज. तो ड्रैगन फ्लाइज बेसिकली वो स्पीशी है जिसको रिसेंटली एंडेंजर्ड कैटेगरी की लिस्ट में डाला गया था, ऑफ द लिस्ट ऑफ IUCN. सो गाइस, एक होमवर्क है आप सभी के लिए. आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट टेल मी दैट वेयर द IUCN इज बेसिकली हेडक्वार्टर्ड. कहां पर हेडक्वार्टर IUCN का. एंड गाइस, आई एम स्टिल गेटिंग द आंसर दैट पीपल आर सेइंग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. गाइस, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज बेसिकली ऑप्शन सी, That is dragonflies. So dragonflies is question का सही जवाब. और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ. And the next question is हैदरपुर wetland. So अगला question आपका हैदरपुर wetland के ऊपर, और आपको बताना है कि ये basically कहाँ पर है. See, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों है ये, बिकॉज इट वॉज बिंग रिसेंटली रिकॉग्नाइज एज द 47th रामसर साइट ऑफ इंडिया. तो अब आपको बताना है कि ये वेटलैंड कहां पर, इट्स इन मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार और यूपी, वेयर दिस पर्टिकुलर लैंड हैज बीन लोकेटेड. व्हाट इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर हियर. हैदरपुर वेटलैंड के ऊपर है ये क्वेश्चन. दिसंबर 2021 में ये न्यूज आर्टिकल के अंदर था. तो वेयर इट इज बिंग लोकेटेड, इट इज द 47th रामसर साइट, दैट इज हैदरपुर वेटलैंड. एंड द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज
ऑप्शन ई दैट इज उत्तर प्रदेश. सो गाइज यूपी के अंदर ये पर्टिकुलर ज्योति नीतीश सब पंडित सभी ने दिया इस क्वेश्चन का सही जवाब दैट इज उत्तर प्रदेश विच इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ गाइज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज उन्होंने डिक्लेयर किया था कजुविली वेटलैंड जो कि है आपका विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट में, और आपको बताना है कि ये कौन सी स्टेट के अंदर है. विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट डैश एस कजुवली बर्ड्स सेंचुरी. सो गाइज ये कौन सी स्टेट के अंदर है, कर्नाटका, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, व्हाट इज बेसिकली द राइट आंसर है. तो पिछले क्वेश्चन का दिया है सभी बच्चों ने सही जवाब, लेट्स सी दैट कि इस क्वेश्चन का देता है कौन कौन सही जवाब. नीलेश सिंह इट इज ऑप्शन डी, नीतीश सिंह ऑप्शन डी, और सभी यहां पर दे रहे हैं ऑप्शन डी दैट इज तमिलनाडु. एंड दिस इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, दैट इज तमिलनाडु. आई एम रियली सरप्राइज्ड गाइज, एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी कि आप सभी सभी क्वेश्चंस का एकदम सही जवाब दे रहे हैं. एंड आई एम रियली ग्लैड, एंड आई विश कि आप एग्जाम के अंदर भी इसी तरीके से हर क्वेश्चन का सही जवाब दें, एंड यू ऑल आर गोइंग टू रॉक इन द एग्जाम. ठीक है जी. सो राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज तमिलनाडु, दैट इज ऑप्शन डी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मोस्ट सैक्रेड एलिफेंट नंदुगामुवा राजा. सो गाइज द नेम ऑफ दैट एलिफेंट इज नंदुगामुवा राजा. द एलिफेंट पास अवे रिसेंटली, और उस एलिफेंट को गाइज यहां पर बताया गया इट इज अ मोस्ट सेक्रेड, एंड उसको यहां पर नेशनल ट्रेजर का ऑर्डर दिया गया है. इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल ट्रेजर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यू हैव बेसिकली यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ द कंट्री कि कौन सी कंट्री ने यहां पर बताया है कि ये मोस्ट सेक्रेड एलिफेंट था और उसको नेशनल ट्रेजर का दर्जा दिया गया है. इट साउथ कोरिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल. सो गाइज प्लीज टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 15. What is the right answer? People, some people are going for option D, Bhutan, and everybody is going for option D, that is Bhutan. So guys, the right answer is not option D, Bhutan, and Reshma has answered the question correctly, that is option B, Sri Lanka. So guys, yahan par yaad rakhiyega, yahan par bahut hi important cheez hai yaad rakhne ki, first of all, the name of this particular elephant, kyunki unko yahan par banaya gaya hai national treasure, aur yahan par kaun si country ke andar hai, the country is basically Sri Lanka. एक और डायमेंशन है जहां से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, क्या हो सकती है वो डायमेंशन, आपको नाम दिया जाएगा इसका नंदुगामुवा, ठीक है जी, और यहां पर आपको पूछा जाएगा कि वो क्या है, बेसिकली कौन सा एनिमल. इट इज एलिफेंट, इट इज टाइगर, इट इज लायन, इट इज लेपर्ड, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर पार्ट. सो गाइज वहां पर आपको याद रखना होगा कि राइट आंसर होगा एलिफेंट, ठीक है जी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड गाइज अब हम आ चुके हैं अपनी एक अगली कैटेगरी पर, दैट इज स्पेस इन न्यूज. एंड गाइज आई रियली बिलीव कि आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर सेशन को, और ये इतने सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं गाइज. अब मैं आपको कहता हूँ कि गाइज थोड़ा सा पानी पी लिया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा पानी आप लोग भी पी लीजिए जिससे कि वी हैव मोर एनर्जी, जिससे कि हम अपने बाकी की आने वाली जो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है उनको भी जल्दी जल्दी से कवर कर सके, ठीक है जी. सो गाइज जस्ट गिव मी अ सेकंड एंड वी विल बी बैक विद द सेशन. So guys, that's the time for all of you. Now let's begin the very important topic, that is space in news. So guys, space in news is once again a very important topic from the exam point of view. Exam mein kafi sare questions yahan par is category se aate hain, and that is why all of you are required to cover the questions which are being covered in this category, and we will be covering this category in a very comprehensive manner. Aur ye pehla question aap sabhi ki screen ke upar, you have just required to name here the probe. ठीक है जी, एक पार्टनरशिप इट इज बीन लॉन्च विद अ पार्टनरशिप बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा विच मेड द फर्स्ट वीनस फ्लाई बाय ऑन 9th of August 2021. गाइस वीनस के पास से निकला था ये हमारा प्रोब, एंड दिस इज द रीजन दैट व्हाई इट इज रियली रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड. तो जल्दी जल्दी बताइए क्या है इस पर्टिकुलर प्रोब का सही जवाब, क्या है उस प्रोब का नाम. इट्स सोलर ऑर्बिट ऑफ आर्टेमिस, बेपी, कोलंबो, अपोलो और नन ऑफ द अबव. व्हाट इज द राइट आंसर, प्लीज टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द स्पेस इन न्यूज कैटेगरी. लेट्स सी हु विल आंसर द क्वेश्चन करेक्टली. एंड नीलेश इज सेइंग दैट द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज आर्टेमिस. नीतीश इज ऑल्सो सेइंग ऑप्शन बी, आर्टेमिस. सो गाइज आर्टेमिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है यहाँ पर नासा का.
बट जब हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की तो इसका सही जवाब आर्टेमिस नहीं है एंड एवरीबडी इज जस्ट ऑप्टिंग फॉर ऑप्शन बी दैट इज आर्टेमिस. गाइस आई एम गिविंग यू वन मोर चांस, प्लीज चूज अनदर ऑप्शन. क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब? यू हैव जस्ट रिक्वायर्ड टू नेम दैट पर्टिकुलर प्रोब विच हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इन पार्टनरशिप बाय द ESA दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसने कि पहला वीनस फ्लाईबाय यहां पर किया है 9th of August 2021. गाइस ये डेट भी यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड स्टिल एवरीबॉडी इज जस्ट ऑप्टिंग फॉर ऑप्शन बी आर्टेमिस एंड नाउ पीपल आर फॉर ऑप्टिंग फॉर ऑप्शन सी दैट इज बीपी कोलंबो एंड गाइस none of them is the right answer. The right answer here is option A, that is solar orbiter. So guys, solar orbiter is question ka hai sahi jawab. Agar exam ke andar aaye to yaad rakhiyega teen cheeze bahut important hai yahan par. Ek to hai proof ka naam, dusra hai कौन सी जो organizations है जिन्होंने partnership में इसको launch किया था, और तीसरा यहाँ पर important है इस पर्टिकुलर प्लैनेट का नाम दैट इज वीनस. तो वीनस भी यहां पर इंपॉर्टेंट है, और गैस बहुत ही रेयर केस हो सकता है कि यहां पर डेट आपसे पूछी जाए एग्जाम के अंदर, बट स्टिल वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी डायमेंशन वेरी प्रॉपरली एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. So some people are saying that it is BPI Colombo. So guys, I want to tell you that this was the second that probe which has also done the flyby around the Venus. ठीक है जी, second was BPI Colombo and the first was Solar Orbiter. ठीक है, now moving on to the next question. So guys, next question is a team of researchers at the ISRO and Dash have developed a modular self-contained device to cultivate microorganisms. So guys, क्या है इस question का सही जवाब? You have to just tell me the name of the institution जिसके साथ यहाँ पर ISRO के researchers ने मिलके एक ऐसा device बनाया है to cultivate the microorganisms. It is IIC Bangalore, IIT Delhi, IIT BITS Palani, NIT Surat और Manipal University. क्या है इस question का सही जवाब? Let's see who will answer the question correctly. Question number 2. Nilesh is saying option A. Shinjini Srivastav is also opting for option A. And guys, this is absolutely the right answer. That is Indian Institute of Science, Bengaluru is the right answer. So guys, ये आप देख सकते हो कि किस तरीके के questions यहाँ पर space in news category से आते हैं, और यहाँ पर कितने आसान क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम के अंदर आने वाले हैं आपके आरबीए ग्रेड बी 2022 में भी. ठीक है जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग IITs हैज एस्टैब्लिश्ड एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी विद अ लार्ज 14 इंच टेलीस्कोप फैसिलिटी एट इट्स कैंपस. सो गाइस रिसेंटली एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर एस्टैब्लिश किया था एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को, जिसका 14 इंच लार्ज टेलीस्कोप है, और आपको बताना है कि क्या है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का नाम. इट्स IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद, IIT मंडी और नन ऑफ दी अबव. सो गाइस सारी की सारी IITs यहाँ पर नाम दे दिए गए, सारी नहीं है बट स्टिल ये वो IITs हैं जो कि रिसेंटली न्यूज के अंदर थी. जस्ट टू कंफ्यूज यू कि क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब, लेट्स सी हु विल आंसर द क्वेश्चन करेक्टली. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज IIT हैदराबाद. सो गाइस IIT हैदराबाद इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो रिसेंटली व्हिच कंट्री हैज डेवलप्ड द प्रोटोटाइप ऑफ अ मिनिएचर हेलीकॉप्टर फॉर सर्विलेंस वर्क ऑन द फ्यूचर मार्स मिशन. बेसिकली फ्यूचर मार्स मिशन, मार्स के ऊपर जो भी फ्यूचर मिशंस होने वाले हैं वहां पे सर्वेलेंस किया जा सके, उसके लिए एक मिनिएचर हेलीकॉप्टर को यहां पर बनाया है. एंड यू हैव टू जस्ट टेल मी कि कौन सी यहां पर कंट्री है जिसने इसको बनाया है. एंड आई एम गेटिंग द राइट आंसर्स. सो पीपल आर स्टिल बेसिकली गिविंग द राइट आंसर्स फॉर द लास्ट क्वेश्चन, दैट वॉज हैदराबाद. एब्सोल्युटली करेक्ट स्वाति नितिश सभी ने इस क्वेश्चन का सही जवाब. गाइस बट नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्या है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब? Which country has recently developed the prototype of a miniature helicopter which will be used for the surveillance work on the future Mars missions? What is the right answer? China, Japan, UAE, Russia and UAE. Let's see who will answer the question correctly. And AFA saying that it is USA. Shinjini saying option B, Reshwa saying option B, and guys option B is absolutely the right answer. China hai is question ka sahi jawab. China ne banaya hai ye naya miniature helicopter for the surveillance work on Mars mission. So guys yahan par do dimensions bahut hi important hai. First one is the name of the country, second one is the name of the planet. I hope that this is very much clear to all of you. Now we are moving towards the next question. So recently NASA's rover Dash has collected and stored its first mineral rock sample from the J0 crater on the surface of Mars. So guys, surface of Mars par yahan par already ek rover hai which is present. देयर मार्स के सर्फेस पे एक रोवर है जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो कि लॉन्च किया था नासा ने, और आपको बताना है उस रोवर का नाम जिसने रिसेंटली यहां पर पिक्चर्स भेजी है.
ठीक है जी, उन्होंने स्टोर किया था अपना फर्स्ट मिनरल रॉक सैंपल, सॉरी पिक्चर्स नहीं, यहाँ पर एक मिनरल रॉक सैंपल भेजा है और आपको बताना है कि बेसिकली क्या है उस पर्टिकुलर पार्ट का नाम। इट्स प्रज्ञान बाहु ग्वांगमु पर्सिवरेंस और नन ऑफ द अबव एंड पीपल आर हियर ऑप्टिंग फॉर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पर्सिवरेंस एंड दैट इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। सो गाइस पर्सिवरेंस इज द राइट आंसर। जब हम बात करें प्रज्ञान, सो इट वाज द रोवर फॉर द चंद्रयान 2। सो गाइस दिस वाज द रोवर फॉर द चंद्रयान 2 एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सिवरेंस, पर्सिवरेंस इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन किस तरीके का है, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे कि भाई ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं एक पर्टिकुलर मिशन की। क्या है उस मिशन का नाम? द नेम ऑफ द मिशन इज हर्मिस मिशन। सो हर्मिस मिशन के ऊपर यहाँ पर आपको चार स्टेटमेंट्स दी हैं और क्वेश्चन में क्या पूछा है, यू हैव टू जस्ट टेल अस दैट विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिलेशन विद द हर्मिस मिशन। सो गाइस अगर बेसिक से इंफॉर्मेशन आपको पता होगी इस हर्मिस मिशन के बारे में, देन यू विल बी वेरी इजिली एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो जब हम बात करें ऑप्शन ए की, हेयर आपको बताया गया है कि हर्मिस की फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ हर्मिस? इट इज बेसिकली हेलियोफिजिक्स एनवायरमेंटल एंड रेडिएशन मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट सूट। सो गाइस जल्दी जल्दी बताइए क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगर नहीं आता है फिर भी दीजिए इसका सही जवाब, क्योंकि अगर आप मिस्टेक करेंगे तो इट विल रियली हेल्प यू टू आंसर द क्वेश्चन करेक्टली इन द एग्जाम, क्योंकि वो मिस्टेक से हम सीखते हैं और वो मिस्टेक आपको याद है ये एग्जाम के अंदर कि मैंने तब ये मार्क किया था बट द राइट आंसर वॉज समथिंग एल्स, और वो क्या होगा, यू विल बी एबल टू गेट द राइट आंसर ड्यूरिंग द एग्जाम। सो गाइस अगली यहाँ पर स्टेटमेंट क्या था कि उसको लॉन्च किसने किया है, कौन सी स्पेस एजेंसी, एंड इट हैज बीन मेंशन्ड हियर इसरो। सो गाइस जब हम बात करें ऑप्शन सी की, इट सेज इट विल हेल्प इन मॉनिटरिंग स्पेस वेदर एंड फ्लक्चुएटिंग कंडीशंस इन द स्पेस ड्रिवन बाय द सन। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इट विल बी अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द आर्टेमिस मिशन। सो गाइस जब हम बात करें इन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स की, तो यहां पर सभी बच्चे दे रहे हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब, दैट इज ऑप्शन बी, 6 का बी। एंड गाइस व्हाई? बिकॉज अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, दैट इट इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ अवर आर्टेमिस मिशन। सो गाइस आर्टेमिस मिशन किसका है? वो है नासा का। सो हाउ कैन इसरो बी अ पार्ट ऑफ दिस हर्मिस मिशन? सो गाइस दिस इज व्हाई द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज it has been planned to be launched by ISRO in the November 2024। see ye date yahan par important hai, isko bhi yaad rakhiyega, Hermes mission ki, Hermes ki full form bahut zyada important hai, aur ye bhi important hai ki bhai it is planned to be launched by NASA and not ISRO in November 2024। ठीक है जी, सभी हो चुका है यहाँ पे, हमने एक एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगले क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज हैज अनाउंस्ड टू न्यू साइंस मिशंस नेम्ड द मल्टीस्प्लिट सोलर एक्सप्लोरर एंड हीलियोस्वाम। सो गाइस रिसेंटली आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने ये दो नए साइंस मिशंस को यहां पर अनाउंस किया है, दैट इज मल्टीस्लिट सोलर एक्सप्लोरर दैट इज कॉल्ड म्यूज एंड द अनदर वन इज हीलियोस्वाम। सो लेट्स सी हु विल आंसर द क्वेश्चन करेक्टली। What is the right answer? NASA, ISRO, Roscosmos, United Arab Emirates Space Agency और China National Space Administration। So guys यहाँ पर पांच अलग अलग space agencies के नाम दिए गए हैं। This is an American one, this is from India, from Russia, from UAE and from China। So what is the right answer to the question? Himanshu has answered the question correctly, that is option A, NASA। So guys National Aeronautics and Space Administration has basically recently announced these two new science missions, that is Multi-Slit Solar Explorer and Heliosphere। ठीक है जी, ये दो क्वेश्चन है आपके सही जवाब और इस क्वेश्चन का सही आंसर है नासा। सो आप यहां पर याद रख सकते हो कि बहुत सारे डायमेंशन है जिन पर आप फोकस कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दो नए साइंस मिशन है उसके बाद कौन लॉन्च करने वाला है, दैट इज नासा। ठीक है जी, और इसकी यहां पर फुल फॉर्म भी याद रखने के लिए आपको बहुत जरूरी है, दैट इज मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर। ठीक है, सो गाइज जब एग्जाम में क्वेश्चन है, डू नॉट थिंक ये तो दूसरा गोला से क्वेश्चन आया, ये हम कैसे करें। ठीक है जी, यहां पर हम क्वेश्चंस हर एक डायमेंशन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट इज द रीजन दैट दिस सेशन इज रियली वेरी हेल्पफुल। और इसी तरीके से गाइज जैसे जैसे एग्जाम पास आता रहेगा, ये वीकेंड सीरीज स्पेशल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम इन पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और अभी तक हम काफी सारे सेशन ले भी चुके हैं जहां पर हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, एंड दैट्स it really becomes important for you to attend these sessions। theek hai ji, moving on to the next question। so guys NASA ne fund kiya tha ek Atlas observatory ko jo ki pehli observatory bani hai which is capable of searching the entire dark sky for the every 24 hours for a hazardous near earth projects। so guys aapko batana hai ki what does A stands for in the Atlas। see NASA ne ek
नासा फंडेड एक एटलस ऑब्जर्वेटरी है जिसको यहाँ पर कहा है कि वो पहली ऑब्जर्वेटरी है जिसको एक कैपेबिलिटी मिली है कि वो एंटायर डार्क स्काई को यहाँ पर हर 24 घंटे के लिए फॉर एवरी हजार्डस नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वो उसको यहाँ पर स्कैन कर सकती है। तो अब आपको बता रहे हैं कि ये जो एटलस है गैलेक्सी, आप देख सकते हो कि यहाँ पर सभी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है एग्जाम के अंदर। आपको बता रहे हैं कि ए का क्या मतलब है, एटलस पहला वर्ड, पहला ए क्या स्टैंड करता है, व्हाट डज ए स्टैंड फॉर इन दिस एटलस, इट्स एस्ट्रोनॉमिकल, इट्स एडवांस एस्ट्रोसाइंस, एंगुलर और एस्टेरॉइड, व्हाट इज द राइट आंसर हियर गाइस। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज पुट द क्वेश्चन नंबर एंड देन राइट द ऑप्शन, ठीक है जी, जिससे कि आई विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, ठीक है जी। तो नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। सो हियर पीपल आर सेइंग दैट इट इज ऑप्शन ए व्हिच इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल, बट गाइस दिस इज नॉट द राइट आंसर, द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन ई, दैट इज एस्टेरॉयड। सो गाइस एस्टेरॉयड इज क्वेश्चन का सही जवाब, एंड रेशमा इज सेइंग दैट इट्स ऑप्शन 8A एटमॉस्फेरिक। सो रेशमा एटमॉस्फेरिक हमने यहाँ पर ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, द ऑप्शन इज एस्ट्रोनॉमिकल एंड नॉट एटमॉस्फेरिक। सो बट हियर इन दिस क्वेश्चन द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज एस्टेरॉयड, ठीक है जी, याद रखिएगा एग्जाम के अंदर आएगा। तो व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज एस्टेरॉयड, स्वांति एंड विकी हैव आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली, दैट इज एस्टेरॉयड। और गाइस एटलस की यहाँ पर पूरी फुल फॉर्म भी आपको दी गई है, दैट इज एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, that is ATLAS. So what does ATLAS stands for? It stands for Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, which is really very important for you to cover from the exam point of view. Now let's move on to the next question. So is agla question yahan par hai ki astronomers jo hain hamare US National Science Foundation ke, that is NOIR Lab, National Optical Infrared Astronomy Research Laboratory, they have identified a new Trojan asteroid which has been named as Dash. See, अब आपको यहाँ पर बताना है कि जो रिसेंटली ये जो ट्रोजन एस्टेरॉयड यहाँ पर फाइंड आउट किया गया था वो बेसिकली क्या है, उसका नाम क्या है, whether it's 210 PK7 2020 XL5 617 Patroclus, it's 624 Hector or 526-1 Eureka. So guys क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब, जल्दी जल्दी बताइए चैट बॉक्स के अंदर, व्हाट इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। रिसेंटली एक ट्रोजन एस्टेरॉयड यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया था US एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा। सो व्हाट इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रोजन एस्टेरॉयड, एंड गाइस हियर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 9 इज 2020 XL5। और गाइस जब हम बात करें कि जो सबसे पहला ऐसा ट्रोजन एस्टेरॉयड है जो कि पाया गया था, इट वॉज बेसिकली 2010 TK7, ठीक है जी, ये था आपका सबसे पहला, एंड गाइस दिस इज बेसिकली द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन, और वंस अगेन अ क्वेश्चन ऑन अ मिशन, दैट इज वेनेरा डी मिशन। बट यहां पर क्या करना है, हियर यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर मिशन, दैट इज वेनेरा डी मिशन। सो गाइस वेनेरा डी मिशन के बारे में यहां पर आपको चार स्टेटमेंट दी गई हैं, व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन relation with the Venera D mission. So guys, Venera D mission क्यों था ये हमारा news के अंदर? Because recently Russia ने यहाँ पर reject किया था USA को कि भाई हम आपको यहाँ पर dismiss करते हैं इस अपने project से, इस अपने mission से. So basically आप देख सकते हो यहाँ पर पहली statement. What does it say? It says that it was a joint space exploration project between Russia की जो Roscosmos है और जो USA की NASA है, उन्होंने ये launch किया था, launch करना था basically 2019 के अंदर to explore the planet Venus. So guys, Venus planet को यहाँ पर explore करने के लिए Venera D mission launch किया गया था. Here V stands for Venus. आप इसको बहुत easily याद रख सकते हैं. And here I am getting the right answers. People are opting for option E. That is all of the above. And all of the above is the right answer. गाइज जब हम बात करें तो गाइज ये जो हमारा वेनेरा डी मिशन है ये पहला ऐसा मिशन था वीनस के ऊपर फ्रॉम द कंट्री ऑफ रशिया, एंड व्हाट वाज द एम, इट बेसिकली एम्स टू स्टडी द वीनस एटमॉस्फेयर एंड कलेक्ट सॉयल सैंपल्स फॉर द फर्दर स्टडी, एंड दैट इज द रीजन दैट व्हाई इट वाज बीइंग शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च इन 2029। और जिससे कि अभी जो सैंक्शंस लगे हैं, यूएसए ने जो सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर ड्यू टू इट्स इन्वेजन इन द यूक्रेन, उसका यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा है। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर न्यूज आर्टिकल बनते हैं, आपके एग्जाम के लिए टॉपिक्स क्रिएट होते हैं। रशिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन के अंदर, उससे उसके रेपरकशंस को देखते हुए यूएसए ने बहुत ही जगह से उस पे ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं रशिया पे, और अब रशिया ने भी क्या किया, रशिया ने डिसमिस कर दिया है यूएसए को इस वेनेरा डी मिशन से। दैट्स हाउ इट इंपैक्ट्स, एंड दिस इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन। सो गाइस हियर
यूरोपा मल्टीपल फ्लाईवे मिशन, वंस अगेन अ क्वेश्चन सी। यहाँ पर स्पेस से न्यूज में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि स्पेसिफिकली होंगे मिशन के ऊपर। तो एक और मिशन आपके सामने है, दैट इज यूरोपा मल्टीपल फ्लाईवे मिशन विच एम्स टू स्टडी द मून यूरोपा थ्रू अ सीरीज ऑफ फ्लाईबाइज व्हाइल इन जुपिटर्स ऑर्बिट। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्पेस एजेंसी, कौन सी स्पेस एजेंसी का है ये स्पेस इनिशिएटिव आपका यूरोपा मल्टीपल फ्लाईवे मिशन, कौन सी स्पेस एजेंसी का ये मिशन है आपको बताना है चैट बॉक्स के अंदर। इट्स नासा, इसरो, रोकोस्मोस, UAE Space Agency or China National Space Administration. Let's see who will answer the question correctly. Guys, here the question is basically Europa Multiple Flyby Mission. कौन सी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये इनिशिएटिव है, दैट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी इन द चैट बॉक्स। एंड हियर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्हिच इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। एंड AFS ने इस क्वेश्चन का दिया है सही जवाब। रेशम इज आल्सो आंसर द क्वेश्चन करेक्टली, दैट इज ऑप्शन ए, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हिच कंट्री हैज मेड अ न्यू डोमेस्टिक रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग 22 सैटेलाइट्स। सो रिसेंटली एक कंट्री ने अपना डोमेस्टिक रिकॉर्ड बनाया था, उन्होंने लॉन्च की थी 22 सैटेलाइट्स इन स्पेस एंड अ सिंगल रॉकेट। सो गाइस, यहां पर बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन का सही जवाब देना। सी हियर, यहां पर रॉकेट का नाम दिया है लॉन्ग मार्च 8। तो हम देखते हैं कि रिसेंटली इन द पास्ट सो मेनी यहाँ पर सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है, बहुत सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं और लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट यूज होता है उसके अंदर। तो कौन सी कंट्री का है लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट, अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन का दे सकते हैं सही जवाब एग्जाम के अंदर। एंड स्वांति एंड AFS आर ऑप्टिंग फॉर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चाइना। हिमांशु ने भी दिया इस क्वेश्चन का सही जवाब, दैट इज ऑप्शन बी, चाइना। एंड चाइना इज द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो गाइस, दिस इज द राइट क्वेश्चन, राइट आंसर टू द क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च द फेज 2 ऑफ इट्स व्हाट्स ऑन द मून चैलेंज। सो गाइस, व्हाट्स ऑन द मून चैलेंज, ये एक चैलेंज है जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया था और आपको बताना है कि वंस अगेन कि कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसका ये चैलेंज है। व्हेदर इट्स रोस्कोसमोस, इट्स UAE स्पेस एजेंसी, इट्स चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स नासा और इसरो। क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द राइट आंसर, कौन सी यहां पर स्पेस एजेंसी है जिसने लॉन्च किया है व्हाट्स ऑन द मून चैलेंज। एंड द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज बेसिकली ऑप्शन डी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो गाइस, ये है इस क्वेश्चन का सही जवाब। आप देख सकते हो कि क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब, नासा। नासा ने जो कि रिसेंटली लॉन्च किया है इस अपने नए व्हाट्स ऑन द मून चैलेंज को, उन्होंने लॉन्च किया है, फेज 2 है अभी जो कि लॉन्च हुआ है। So guys, this is basically the right answer to the question. And Manish is saying that, sir, do we have to, sorry, Manisha is saying, sir, do we have to remember signatories of the MOU? Guys, whenever we talk about MOU के अंदर सबसे important चीज क्या है? MOU हमेशा साइन किया जाता है, किसके द्वारा साइन किया जाता है? पार्टीज के द्वारा। कितनी पार्टीज हैं उसके अंदर, ऑल द पार्टीज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कवर वेन एवर वी टॉक अबाउट द MOU। आई होप दैट आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन करेक्टली। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज, अगला क्वेश्चन ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर। और गाइज, यहाँ पर आपको बताना है कि इसी एक नई रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर जो कि नासा ने निकाली है। उन्होंने कहा है कि जो ISS है वो डी ऑर्बिट होगा और क्रैश करेगा साउथ पैसिफिक ओशन में। और आपको यहाँ पर क्वेश्चन पता है क्या है? आपको जस्ट बताना है कि कौन से ईयर में जाके ये क्रैश करेगा, whether it will crash in 2025, 2031, 2035, 2040 or 2028. What is the right answer? See, International Space Station, guys, really very important topic here. International Space Station, जब आपकी यहाँ पर स्पेस इन न्यूज की बात होती है तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब हम बात करें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, तो यहाँ पर एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि ये डी ऑर्बिट होगा और क्रैश कर जाएगा साउथ पैसिफिक ओशन के पास। उस पॉइंट का नाम भी दिया है, दैट इज पॉइंट नीमो। सो अब आपको बताना है कि बेसिकली कौन से ईयर में जाके क्रैश होगा। एंड एवरीबॉडी इज सेइंग ऑप्शन बी, दैट इज 2031, एंड दैट इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर, दैट इज 2031। एंड गाइस, हम आपको यहां पर बता दें कि ISS को लॉन्च कब किया गया था, इट वॉज बेसिकली लॉन्च इन ईयर 1998। और गाइज, इट वॉज डिजाइन टू लास्ट जस्ट फॉर द 15 ईयर्स। तो ऑलरेडी यहां पर ये ज्यादा टाइम के लिए सस्टेन कर पाया है। और यहां पर जब हम बात करें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, तो अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपका न्यूज के अंदर है तो आपको इन डिटेल्स को भी ध्यान देना चाहिए। सो गाइज, यहां पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग वो डीऑर्बिट होगा, क्रैश होगा, गिरेगा कहां पर वो भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज साउथ पैसिफिक ओशन। उस पॉइंट का नाम भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज पॉइंट नीमो, और कौन से ईयर में जाके गिरेगा, दैट इज 2031, दैट इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप आपको यहां पर ये सभी क्वेश्चन क्लियर है, एंड गाइस नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, recently astronomers have discovered a biggest galaxy. See, once again, what is the keyword here? Biggest galaxy. See, जब भी आप questions का answer करें, what you are required to do? You are required to pick the keywords from the session, from the question, कि keyword क्या है, और उससे अगर आपने वो keyword को पढ़ लिया तो guys आपके दिमाग में आधा information already recall हो जाएगी आपके mind पहले से कि भाई क्या होगा इस question का सही जवाब। जब हम बात करें कि biggest galaxy, तो guys क्या क्या सवाल आते हैं आपके मन में कि भाई किसने इसको फाइंड आउट किया होगा, क्या उसका नाम होगा, और जब आप देखेंगे ऑप्शंस के अंदर व्हाट इज बीइंग मेंशन्ड हियर, हियर द नेम ऑफ द वेरियस गैलेक्सीज हैव बीन मेंशन्ड। तो क्या बताना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर, यू हैव टू जस्ट टेल अस कि क्या है उस बिगेस्ट गैलेक्सी का नाम, ठीक है जी। तो यहां पर बताया कि कौन से कॉन्स्टेलेशन में है, दैट इज इन द लिंक्स कॉन्स्टेलेशन। तो अब जल्दी जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब, बिगेस्ट गैलेक्सी जो रिसेंटली यहां पर फाइंड आउट की है, व्हाट इज द राइट आंसर, एंड आई एम गेटिंग द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज Alcyonius। So guys, Alcyonius is basically the right answer to the question। और यहाँ पर कुछ और भी ज्यादा important details यहाँ पर दी गई है कि कौन से यहाँ पर telescope से इसको find out किया है, क्या है ये वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर वाइज टेलीस्कोप से जहां पर इसको फाइंड आउट किया गया था, और यहां पर एक और नेटवर्क है जिसका नाम दिया है, दैट इज लोफार नेटवर्क, दैट इज लो फ्रीक्वेंसी एरे नेटवर्क, जिसके बारे में आपको यहां पर जानना जरूरी है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, यू हैव टू जस्ट नेम द एजुकेशन स्टार्टअप। सी, रिसेंटली एक एजुकेशन स्टार्टअप ने यहां पर कहा है दैट इट विल गोइंग टू लॉन्च 100 स्टूडेंट डेवलप्ड सैटेलाइट। सी, स्टूडेंट्स द्वारा बनाई गई सैटेलाइट्स को वो लॉन्च करने वाला है, और सैटेलाइट्स के जो नंबर है दैट इज 100, और वो करेगा इन द अपकमिंग नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो आपको जस्ट बताना है यहाँ पर कि कौन सा वो एडुटेक है जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल इसके पीछे, विच एडुटेक इज बेसिकली हैज बिकम द फर्स्ट स्पेस एजुकेशन स्टार्टअप फॉर द K-12 स्टूडेंट्स टू डिजाइन एंड लॉन्च सैटेलाइट्स टू स्पेस, दैट इज अब बच्चे अपनी सैटेलाइट्स को यहाँ पर लॉन्च कर सकेंगे। सो गाइस वंस अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट, इंडिया फर्स्ट स्पेस एजुकेशन स्टार्टअप। तो क्या है स्टार्टअप का सही नाम, इट्स नवार्स एडुटेक, एप्टस लर्न, आस्किटियंस, और इट्स अस्मागम और साइबर वाई, व्हाट इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर, लेट्स सी हु विल आंसर द क्वेश्चन करेक्टली। गाइज यू आर रिक्वायर टू जस्ट आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इंडिया फर्स्ट स्पेस एजुकेशन स्टार्टअप, जिसने कहा है कि हम वी आर गोइंग टू डेवलप एंड वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट। सो द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज नवाज एडुटेक। सो गाइज दिस इज बेसिकली अ सेट ऑफ सैटेलाइट टू द LEO, दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर प्लेस किया जाएगा इन सैटेलाइट्स को। और गाइज जो यहाँ पर लॉन्च व्हीकल है वो लॉन्च व्हीकल क्या होगा, लॉन्च व्हीकल विल बी यूज, दैट इज Vikram-1, और ये लॉन्च व्हीकल किसका है, दैट इज बेसिकली Skyroot। Skyroot एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट एंटिटी है जो कि इस फील्ड के अंदर काम करती है, और उसका ये लॉन्च व्हीकल है, दैट इज Vikram-1। सो दैट इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली रिसर्चर्स फ्रॉम NASA हैव लॉन्च्ड एन एक्सपेरिमेंट नेम्ड डैश टू कल्टिवेट चिली पेपर्स ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चिली पेपर्स को कल्टिवेट करने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया है NASA ने, क्या है उस क्वेश्चन का सही जवाब, प्लेनेट हैबिटेट 02, प्लेनेट हैबिटेट 03, प्लेनेट हैबिटेट 04, 05 और 06, व्हाट इज द राइट आंसर, लेट्स सी हु विल आंसर द क्वेश्चन करेक्टली इन द चैट बॉक्स। गाइस जल्दी जल्दी बताइए क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब। हम बढ़ रहे हैं अपने स्पेस कैटेगरी के एंड की तरफ, और उसके बाद आएगी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, दैट इज डिफेंस एक्सरसाइजेस और डिफेंस डील्स इक्विपमेंट्स, और जो नए नए इक्विपमेंट्स लॉन्च हुए हैं, MOU साइन हुए हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन द अपकमिंग कैटेगरीज। तो बने रहिए सेशन में, क्वेश्चंस का आंसर देते रहिए चैट बॉक्स के अंदर, बताइए कि क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब, व्हाट इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 17। एंड AFS इज सेइंग दैट इट इज 04, Utkarsh is also opting for PS-04, let's see and wait for others as well, and everybody is just opting for option number D,
Sorry, option number C, that is PH04, and that is absolutely the right answer. So the right answer to the question is planet habitat 04, that is PH04. So guys, yeah, is question ka sahi jawab, that is option C. Sabina, yeah, is question ka sahi jawab, Swanti, Reshma, Arun, Utkarsh, everybody has given the answer correctly. Now let's move on to the next question. So guys, SpaceX has recently launched 48 Starlink internet satellites through which of the following rockets. So yahan par aapko batana hai rocket ka naam, kya hai is rocket ka naam, jisse SpaceX ne recently yahan par 48 Starlink satellites ko, internet satellites ko launch kiya tha. What is the right answer to the question? Saturn V rocket, Falcon 9 rocket, Soyuz 5 FG rocket, Ariane rocket, or its Proton space launch vehicle. So what is the right answer? And Jalaj is saying that it is option C. Jalaj, please answer the question to the question number 18. Question C, you have absolutely answered the question correctly. That is option C. But now when we talk about the option question number 18, what is the right answer here? So FS is saying that Falcon 9. Okay, so option B yahan par log choose kar rahe hain, that is option B. Jalaj has also opted for option B, that is Falcon 9 rocket. And that is absolutely the right answer. Falcon 9 rocket is the right answer to this particular question. So guys, yaad rakhiyega, SpaceX ne recently launched the 48 Starlink internet satellites. और उसका जो रॉकेट है जिससे इसको लॉन्च किया गया है, द नेम ऑफ दैट रॉकेट इज बेसिकली फाल्कन 9 रॉकेट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन योर स्क्रीन. सो अ सैटेलाइट व्हिच हैज बीन नेम्ड एज ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, दैट इज टेस. सो गाइस, इस फुल फॉर्म को यहां पर याद रखिएगा, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस टेस्ट सैटेलाइट हैज डिस्कवर्ड अ न्यू एक्सोप्लैनेट जिसका नाम दिया है यहां पर GJ 36 7B. ठीक है जी. सो दिस सैटेलाइट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन. सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की सैटेलाइट है, दैट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी इन द चैट बॉक्स. इट इज फ्रॉम द नासा, ESA, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, रोसकॉस्मोस ऑफ द रशिया, और नन ऑफ द अबव. सो व्हाट इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. क्या इस क्वेश्चन का सही जवाब, लेट्स सी हु विल आंसर द क्वेश्चन करेक्टली इन द चैट बॉक्स. यहां पर एक्सोप्लैनेट का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर टेस्ट की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, और यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से ये बिलोंग करता है. एंड गाइस, द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज नासा. सो सभी ने दिया इस क्वेश्चन का सही जवाब. AFS, उत्कर्ष, जलज, एवरीबॉडी हैव आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली. वेल डन गाइस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अ स्पेसक्राफ्ट लॉन्च बाय नासा इन 2018 हैज सक्सेसफुली एंटर्ड द कोरोना ऑफ द सन. Once again, a very, very important question, guys. Please, I am marking the star here as it is really very probable to be asked in the exam. क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एक स्पेसक्राफ्ट है जिसे नासा ने लॉन्च किया था 2018 के अंदर. ईयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज नाउ सक्सेसफुली एंटर्ड कोरोना ऑफ द सन. एंड नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट. यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्पेसक्राफ्ट? जेमिनी सोलर, क्यूरियोसिटी, अपॉर्चुनिटी, परसिवरेंस, और पार्कर सोलर प्रोब. गाइस, दिस इज रियली वंस अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का सही जवाब देगा. सो AFS इज सेइंग दैट द राइट आंसर इज पार्कर सोलर. अरुण कुमार इज ऑप्टिंग फॉर ऑप्शन ई. इंद्रप्रीत, उत्कर्ष, सभी दे रहे इस क्वेश्चन का सही जवाब, दैट इज ऑप्शन ई, पार्कर सोलर प्रो. सो दिस इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. गाइस, याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बहुत ही प्रोबेबल है टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम. पार्कर सोलर प्रोब नासा ने लॉन्च किया था ईयर 2018 के अंदर. ईयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है जी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अ स्पेस टेलीस्कोप named Dash, which was launched by NASA, has successfully reached the orbit. You are just required to tell me what is the name of that टेलीस्कोप. सो गाइस, दिसंबर 2021 की ये न्यूज है. द ऑप्शंस आर हबल स्पेस टेलीस्कोप, स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, XMM, न्यूटन स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप. सो क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब? लेट्स सी हु विल आंसर द क्वेश्चन करेक्टली इन द चैट बॉक्स. यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ दैट स्पेस टेलीस्कोप विच वॉज बींग लॉन्च्ड बाई द नासा. एंड हियर AFS इज सेइंग दैट द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज जेम्स वेब. सो एवरीबडी इज जस्ट ऑप्टिंग फॉर द जेम्स वेब टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, एंड दैट इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर. द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इस अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर. द क्वेश्चन इज, नासा जूनो स्पेसक्राफ्ट हैज रिसीव्ड साउंड्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम्स लार्जेस्ट मून गैनीमीड. सी, यहां पर आपके कितने सारे क्वेश्चन है जो बन सकते हैं. यहां पर जब हम बात करें इस क्वेश्चन की, गाइस, नासा का जूनो स्पेसक्राफ्ट है, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसका है, नासा का है. उसके बाद उसने रिसीव की है साउंड्स किससे, सोलर सिस्टम के लार्जेस्ट मून से. क्या नाम है उस मून का? दैट इज गैनीमीड. सो गैनीमीड इज द मून ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स. दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज. सबसे बड़ा मून, That is Ganymede. So, क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब? Mercury, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. What is the right answer to the question number 2022? So, let's see that who will answer the question correctly.
ये जो हमारा स्पेसक्राफ्ट है जूनो, उसने रिसेंटली रिसीव की है साउंड, कौन सा ये जो मून है ये कौन से प्लेनेट का है, व्हाट इज द राइट आंसर, एंड हियर ऑल ऑफ यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली, दैट इज ऑप्शन बी जुपिटर। सो मंथन, रेशमा, उत्कर्ष, अब्बास, अभास, एएफएस सभी ने दिया इस क्वेश्चन का सही जवाब, दैट इज जुपिटर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नेम्ड ज़ियोन 1 हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। Once again a question on the satellite and what you are required to do, you are just required to identify the name of the country. So guys जल्दी जल्दी बताइए कि क्या है उस कंट्री का नाम, ठीक है, वो कंट्री का नाम जिसने कि रिसेंटली ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है, उसका नाम यहाँ पर गिवन है, दैट इज ज़ियोन 1O2E, दैट इज द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है, साउथ कोरिया, सिंगापुर, रशिया, चाइना, ताइवान, एंड लेट्स सी हु विल आंसर द क्वेश्चन करेक्टली। क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब, सैटेलाइट का नाम गिवन है, यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू टेल मी दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री विच हैज लॉन्च दिस सैटेलाइट, लेट्स सी हु विल आंसर द क्वेश्चन करेक्टली। And here the right answer is basically option D, China. So China is question ka sahi jawab. AFS, Abbas, sabhi ne this question ka sahi jawab. Well done guys. Aur yahan par khatam hoti hai hamari yahan par ek aur category, that is space and news. Aur guys, ab hum karenge military exercise. So jaldi jaldi pani pi lijiye jisse ki thodi energy mile. Aur hum in do categories ko bhi jaldi jaldi finish karne wale hain. So guys, agli hamari category hai military exercise ki. तो गाइस जब हम बात करें मिलिट्री एक्सरसाइज की, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन द मिलिट्री एक्सरसाइज, सी यहां पर दो तीन डायमेंशंस याद रखने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन सी कंट्री के साथ इंडिया उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कंडक्ट करती है, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन यहां पर है कि उसका वेन्यू क्या है, ठीक है जी। तो ये दो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस से, दैट इज फर्स्ट इज द नेम ऑफ द कंट्री विद विच इंडिया हैज कंडक्टेड दैट एक्स वाई जेड एक्सरसाइज, एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट डायमेंशन इज व्हाट इज द वेन्यू ऑफ दैट एक्सरसाइज, दैट मीन्स वेयर दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज हैज बीन हेल्ड रिसेंटली। सो इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसान सा सवाल इन टॉपिक से आता है, लेट्स सी दैट व्हाट इज द राइट क्वेश्चन टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और गाइस यहां पर आप देख सकते हो कि रिसेंटली यहां पर एक एक्सरसाइज हुई थी, अ जॉइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइज हुई थी पोर्ट ब्लेयर एयरफील्ड के ऊपर, एंड हियर व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी, यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी दैट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कंडक्टेड अ जॉइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइज एट द पोर्ट ब्लेयर एयरफील्ड। सो गाइस जल्दी जल्दी बताइए क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब, व्हाट इज द राइट आंसर, वेस्टर्न एयर कमांड, सेंट्रल एयर कमांड, सदर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड और अंडमान निकोबर कमांड, व्हाट इज द राइट आंसर, कौन सी यहां पर कमांड है जिसने बेसिकली ये जॉइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइज पोर्ट ब्लेयर एयरफील्ड पर कंडक्ट की थी, एंड हियर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज अंडमान एंड निकोबार कमांड। सो अब्बास इज सेइंग दैट इट इज वेस्टर्न एयर कमांड, सो अब्बास इट इज नॉट द राइट आंसर, द राइट आंसर इज अंडमान एंड निकोबार कमांड, इट इज द ओनली ट्राई सर्विस कमांड विच इज बेसिकली बेस्ड इन द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और उन्होंने यहां पर किया है पोर्ट ब्लेयर एयरफील्ड के ऊपर ये जॉइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइज को कंडक्ट, ठीक है जी। I hope this is very much clear. Now let's move on to the next question. So agla question hai aapka recently 12th edition of the President's Fleet Review. So guys ye yahan par conduct kiya gaya tha as a part of aur jo uski theme thi guys, theme thi 75 years in the service of the nation. Ab aapko batana hai ki kaun si jagah par ye basically conduct ki gayi thi. Please write the question number then option in the chat box. What is the right answer to the question? I'm repeatedly telling you कि भाई आपको इस तरीके से बताना है क्वेश्चन का सही जवाब. And here let's see that who will answer the question correctly. New Delhi, Vishakhapatnam, Chandigarh, Kolkata, Hyderabad. What is the right answer? And here people are opting for, some are going for option A, that is New Delhi. Some are opting for option B, that is Vishakhapatnam. Guys, here the Vishakhapatnam, which is in Andhra Pradesh, is the right answer to this particular question. So the right answer to the question is Vishakhapatnam, Andhra Pradesh. So this is the right answer. Abbas, Utkarsh, Arun, sabhi ne diya is question ka sahi jawab. Now let's move on to the next question. So is agla question hai aapka kiske upar? Agla question hai aapka Eastern Bridge 6 exercise ke upar. Theek hai ji? To chhata edition yahan par Eastern Bridge exercise ka hua tha, Rajasthan, Jodhpur ke andar hua tha. Ab aapko batana hai कि बेसिकली इंडिया ने ये एक्सरसाइज कौन सी कंट्री के साथ की है कंडक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द राइट आंसर, विद विच कंट्री इंडिया हैज रिसेंटली कंडक्टेड द 6th एडिशन ऑफ ईस्टर्न ब्रिज 6। तो क्या इस क्वेश्चन का सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 3, रशिया, साउथ अफ्रीका, ओमन, फ्रांस और मलेशिया, व्हाट इज द राइट आंसर,
And here I'm getting the right answer. That is option C, Oman. Everybody have answered the question correctly, guys. I'm really glad to see that all of you have answered the question correctly. Now let's move on to the next question. So the next question is on, once again, a very important exercise, that is ex-dharma guardian. So guys, recently ex-dharma guardian naam kiye hui thi. Kahan par hui thi? Wo dimension already covered hai. That is Karnataka. That is Belgavi, Belgaum, Karnataka. Aapko batana hai ki kaun si country ke saath ye exercise ko conduct kiya gaya tha. Ex-dharma guardian 2022 with which country India has conducted this exercise? Russia, France, Sri Lanka, Japan or Brazil? What is the right answer? And I am getting the right answers here. The right answer is option D, that is Japan. So Swanti ne sahi diya is question ka sahi jawab, that is Japan. Utkarsh has also answered the question correctly. Now let's move on to the next question. So guys, ab hum jaldi jaldi karne wale sabhi questions ko, jisse ki aapke paas aur zyada time bach sake, jisse ki aap in sabhi questions ko ek bar fir se revise kar sake, theek hai ji? So guys, agla question hai aapka ek aur important exercise, that is X Cobra Warrior 2022. ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स ने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर यहां पर पार्टिसिपेट किया था और आपको बताना है कि ये जो एक्सरसाइज है इस साल ये कौन सी कंट्री ने होस्ट की थी, कहां पर ये एक्सरसाइज हुई थी, एक्स कोबरा वॉरियर 2022. व्हाट इज द राइट आंसर? इंडिया, पोलैंड, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए. व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द प्लेस वेयर दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज वाज बीइंग कंडक्टेड? कौन से कंट्री ने इसको होस्ट किया है? एंड हियर उत्कर्ष, इंद्रप्रीत, अब्बास, एवरीबॉडी हैव आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली. दैट इज ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम. सो गाइस, आई एम रियली ग्लैड कि आप सभी इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से आंसर कर रहे हैं. एंड गाइस, अगर आपको मजा आ रहा है सेशन के अंदर, इफ यू आर एंजॉयिंग द सेशन, इफ योर जोश इज हाई, देन प्लीज टाइप हाई इन द चैट बॉक्स, जिससे कि यहां पर सभी बच्चों का जोश हाई हो और हम आने वाले क्वेश्चंस, क्योंकि अभी बात हो रही है आपके डिफेंस एक्सरसाइजेस की, विच इज वंस अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज व्हाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट. और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आएगा कि कौन सी कंट्री के साथ हुई थी या फिर कौन सी जगह पर इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था. सो गाइस, दिस इज बेसिकली आर द ओनली टू डायमेंशंस ऑन विच यू आर रिक्वायर्ड टू कवर दिस पर्टिकुलर डिफेंस एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एंड एवरीबडी इज सेइंग दैट हाई सर, सो आई एम रियली ग्लैड टू सी. एंड नाउ आप और एनर्जी अपनी बढ़ा लेते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. एंड गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज विच इज बीइंग कंडक्टेड बाय इंडिया, दैट इज मिलन. सो गाइस, मिलन 2022 एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्ट की गई थी इंडियन नेवी द्वारा. इट इज अ बाई एनुअल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज. सी, यहां पर याद रखिएगा, आपको यह भी याद करने की जरूरत है कि ये नेवल एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, आर्मी की एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज है. सो गाइस, यहां पर यह है नेवल एक्सरसाइज, दैट इज मिलन 2022. इंडिया ने रिसेंटली इसको होस्ट किया था. व्हाट इज द प्लेस, नेम ऑफ द प्लेस वेयर दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज वॉज बी कंडक्टेड? सूरत, गुजरात, जोधपुर, राजस्थान, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, पुणे, महाराष्ट्र और नन ऑफ दी अबव. एंड आई एम गेटिंग द आंसर्स हियर, दैट इज विशाखापट्टनम. सम आर ऑप्टिंग फॉर ऑप्शन सी, दैट इज पुणे. सम आर गोइंग फॉर विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश. सो गाइस, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहां पर आ चुकी है. कोई कह रहा है ऑप्शन बी, कोई कह रहा है ऑप्शन सी, कोई कह रहा है ऑप्शन डी. एंड गाइस, हियर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज विशाखापट्टनम. तो गाइस, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर ये एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था इंडिया ने. मिलन 2022 इज बेसिकली द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की थीम की. सी, समटाइम्स देर आर सम थीम विच आर बीइंग एसोसिएटेड विद दोज एक्सरसाइजेस. और इस तरीके से जो मिलन 2022 है उसकी भी एक थीम थी. व्हाट वाज द थीम? द थीम वाज कैमाराडरी, कोहेजन एंड कोलैबोरेशन. सो ट्रिपल सी गाइस, यहां पर आप याद सकते हो, 3C. 3C के नाम से इसकी यहां पर एक थीम थी जो आप याद कर सकते हो. तो हमने किया है इस सभी डायमेंशंस को यहां पर कवर कि कौन सी एक्सरसाइज है, मिलन 2022 है, इंडिया इसको कंडक्ट करती है, कहां पर किया है, विशाखापट्टनम में क्या है उसकी यहां पर थीम भी हमने यहां पर कवर कर ली है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, दैट इज मैरिटाइम एक्सरसाइज स्लीनेक्स. सो गाइस, स्लीनेक्स की यहां पर कौन सी कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज की जाती है? इट्स सिंगापुर, साउथ कोरिया, सुदान, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका. विद विच कंट्री इंडिया बेसिकली कंडक्ट्स दिस पर्टिकुलर मैरिटाइम एक्सरसाइज, दैट इज स्लीनेक्स. वेरी वेरी इजी टू रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. बट वंस अगेन, यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं स्ट्रेटेजिकली प्लेस किए गए हैं आप सभी के लिए. क्यों किए गए हैं? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो सभी के नाम स्टार्ट हो रहे हैं एस से. सो व्हाट इज द राइट आंसर? एस
और यहाँ पर श्रीलिनक्स में भी यहाँ पर एस है. सो गाइज व्हेन वी टॉक अबाउट द राइट आंसर, द राइट आंसर इज बेसिकली ऑप्शन ई, दैट इज श्रीलंका. सभी ने दिया इस क्वेश्चन का सही जवाब. सो गाइज श्रीलंका के साथ यहाँ पर श्रीलिनक्स नाम की ये मैरिटाइम एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है. 9th एडिशन इसका यहाँ पर कंडक्ट किया गया था. कहाँ पे किया गया था? विशाखापट्टनम इन बे ऑफ बंगाल. सो गाइज प्लेस कंट्रीज का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन योर स्क्रीन. 19th एडिशन ऑफ द इंडिया यूएस मिलिट्री कॉपरेशन ग्रुप. सो गाइस 19वां एडिशन यहां पर इंडिया यूएस मिलिट्री कॉपरेशन ग्रुप का कंक्लूड हुआ है. कौन सी जगह पर कंक्लूड हुआ है जल्दी जल्दी बता दीजिए चैट बॉक्स के अंदर. न्यू दिल्ली, गांधीनगर, पुणे, महाराष्ट्र, पटना और आगरा. व्हाट इज द राइट आंसर? इन विच प्लेस दिस पर्टिकुलर इवेंट वॉज बी कंडक्टेड बाई इंडिया? न्यू दिल्ली, गांधीनगर, पुणे, पटना, आगरा. वॉट इज द राइट आंसर? एंड हियर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन ई, दैट इज आगरा, उत्तर प्रदेश. ऑप्शन ई है इस क्वेश्चन का सही जवाब. AFS इंद्रप्रीत सभी ने दिया इस क्वेश्चन का सही जवाब. रियली ग्लैड टू सी दिस गाइस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अगली यहां पर एक्सरसाइज का नाम है, दैट इज एक्सरसाइज वायु शक्ति. तो क्या जब हम बात करें वायु शक्ति की तो ये ट्राइएनल एक्सरसाइज है. किसकी एक्सरसाइज है? इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है. ये एक्सरसाइज किसी और कंट्री के साथ कंडक्ट नहीं की जाती, तो यहाँ पर दूसरी कंट्री का नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है जी, यहाँ पर अब आपको बताना है कि ये जो एक्सरसाइज है ये होनी थी आपकी पोखरण रेंजेस के अंदर. अब ये जो पोखरण रेंजेस हैं ये कौन सी स्टेट के अंदर है? जस्ट सी हियर व्हाट इज इम्पॉर्टेंट. नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट. किसकी है? इंडियन एयरफोर्स की है. पोखरण रेंजेस में होने वाली थी. इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई है कि नेम ऑफ द स्टेट, कौन सी स्टेट के अंदर ये एक्सरसाइज बेसिकली कंडक्ट की गई है. राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश. व्हाट इज द राइट आंसर? एंड पीपल आर ऑप्टिंग फॉर द ऑप्शन ए, दैट इज राजस्थान. एंड दिस इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो गाइस राजस्थान इस क्वेश्चन का सही जवाब. सी इसी तरीके से हम बहुत सारी एक्सरसाइज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. गाइस बने रहिए हमारे साथ. और भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस जो इंडिया कंडक्ट करता है, बायलेटरल मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस, सभी को हम यहां पर कवर करेंगे अपने इस सेशन के अंदर. सो जस्ट वेट एंड वॉच. एंड गाइस हियर इज द 10th क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. और यहां पर आपकी आती है न्यूज के अंदर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज क्वेश्चन के अंदर. नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज एक्यूवरीन. आपको बताना है कि कौन सी स्टेट के, कौन सी कंट्री के साथ ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज इंडिया कंडक्ट करती है. इंडोनेशिया, वियतनाम, मालदीव, जापान, श्रीलंका. व्हाट इज द राइट आंसर? कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ये एक्सरसाइज कंडक्ट करती है? नेम ऑफ दैट एक्सरसाइज इज एक्यूवरीन. लेट्स सी हु विल आंसर द क्वेश्चन करेक्टली. ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब? एंड हियर पीपल आर ऑप्टिंग फॉर ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी, दैट इज मालदीव. एंड दैट इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर. सो इंद्रप्रीत, आभास, AFS, उत्कर्ष सभी ने दिया इस क्वेश्चन का सही जवाब. मंथन राठौर ने भी इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, दैट इज मालदीव. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो गाइस अगला क्वेश्चन यहां पर आता है आपका कि रिसेंटली एक एक्सरसाइज हुई थी, दैट इज पैनिक्स 21 मिलिट्री एक्सरसाइज व्हिच वाज हेल्ड इन द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. मेंबर नेशंस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज. सो गाइस अगली यहां पर एक एक्सरसाइज का नाम दिया है, दैट इज पैनिक्स 2021. अब आपको बताना है कि कौन सी प्लेस पर हुई है. पुणे, चेन्नई, कोची, कोलकाता, लक्षद्वीप. व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज वॉज बींग कंडक्टेड? क्या है उस जगह का नाम? पुणे. सो पीपल आर हियर ऑप्टिंग फॉर ऑप्शन नंबर, दैट इज ए, दैट इज पुणे. लेट्स सी एंड वेट फॉर अदर्स एज वेल कि क्या देते हैं बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब. मंथन इज ऑल्सो ऑप्टिंग फॉर ऑप्शन ए, दैट इज पुणे. एंड गाइस हियर पुणे इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर. सो पुणे वो जगह का नाम है जहां पर ये पैनिक्स 2021 मिलिट्री एक्सरसाइज को बे ऑफ बंगाल के अंदर, सॉरी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, ये बिम्स्टेक की गाइस फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सी यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर हर एक चीज पूछ लेगा, हर एक चीज बता दी जाएगी एग्जाम के अंदर. एंड में वो पूछेगा कि भाई बिम्स्टेक में एस, व्हाट डज एस स्टैंड्स फॉर इन द बिम्स्टेक. सो गाइस बी प्रिपेयर्ड फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जाम. दैट्स व्हाई हमने हर डायमेंशन के ऊपर यहां पर क्वेश्चंस के अंदर इतने सारे डायमेंशंस गिवन है जिससे कि यहां पर क्वेश्चन बन सकता है एक और एग्जाम के अंदर. तो जब हम बात करें व्हाट डज एस स्टैंड्स फॉर इन द बिम्स्टेक, सो एस स्टैंड्स फॉर सेक्टोरल. ठीक है जी, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर. सभी बच्चों के क्वेश्चन आ चुके हैं, आंसर्स आ चुके हैं, दैट इज ऑप्शन ए, पुणे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो गाइस अगला क्वेश्चन है आपका, नेवीज ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया एंड यूएस.
they have participated in an exercise. उसका नाम क्या है? Which has been held in the Pacific Ocean at U.S. Anderson Air Force Base, Guam. So guys, यहाँ पर आपको बताना है इस particular question के अंदर कि क्या है उस particular exercise का नाम. It's Cutlass Express, it's Malabar, it's Varun, it's Black Carillon or it's Sea Dragon. So guys, क्या है इस question का सही जवाब? What is the right answer to the question? Let's see that what is the right answer here, guys. यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो हमारी five countries हैं जिनका नाम यहाँ पर given है, तो क्या है इस question का सही जवाब? India, Australia, Canada, Japan, South Korea, US, इन सभी ने एक particular exercise में यहाँ पर participate किया है, and I'm getting the right answers. The right answer to the question is Sea Dragon 2022. So Sea Dragon 2022 है इस question का सही जवाब. And guys, this was really a very important question क्योंकि ये था आपका January 2022 में news में. And that's why it is really very important from the exam point of view. And now let's move on to the another important question from this particular session. That is recently PESEX exercise. See, एक नेवी एक्सरसाइज यहां पर हुई है, दैट इज PESEX. और आपको बताना है कि क्या है, कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने ये कंडक्ट की है. ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जापान, यूएसए, फ्रांस. व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री विद विच PESEX exercise was being conducted by India at the port of Cochin in the Arabian Sea? What is the right answer? Let's see who will answer the question correctly. Australia, Russia, Japan, USA, France. What is the right answer? So guys, please tell me the answer in the chat box here, and I am getting the right answers here. People are opting for option B, that is Russia, and Russia is absolutely the right answer. So guys, Russia is question ka sahi jawab. Utkarsh is saying that France. Abhas is saying that it is Japan. So guys, it is not France, it is not Japan, it is Russia. So, PESEX exercise हमारे यहाँ पर कंडक्ट की गई थी रशिया के साथ. याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर आ सकता है ये सवाल. So guys, now let's move on to the next important question. So recently border security forces, ठीक है जी, BSF के साथ, BSF ने यहाँ पर एक बहुत ही important operation launch किया था, that is operation Sard Hawa on the western international border of India. So guys, अब आपको बताना है कि क्या है उस जगह का नाम जहां पर basically operation Sard Hawa को launch किया था BSF ने, that is border security force. Border security force का ये एक operation है, that is operation Sard Hawa. आपको बताना है कि कौन सी जगह पर किया गया था. See, हर एक dimension is very important. Name of this organization is important. क्या नाम है उसका, ऑपरेशन Sard Hawa, दिस इज इंपॉर्टेंट. कौन सी जगह पे होगा, जो आप मुझे बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर, क्या है इस जगह का नाम जहां पर इसको लॉन्च किया गया था. एंड इट वाज बेसिकली बी कंडक्टेड इन जैसलमेर, राजस्थान. सो गाइस, जैसलमेर राजस्थान इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सरप्राइज. जो सरप्राइज था आप सभी के लिए वो है ये. सो गाइस, इंडिया की बहुत सारी एक्सरसाइजेस, दैट इज बायलैटरल एक्सरसाइजेस जो कि इंडिया कंडक्ट करता है, उसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस है उसकी लिस्ट यहां पर गिवन है. सी, आई वॉज थिंकिंग कि मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट कर दूँ. यहाँ पर 15 एक्सरसाइजेस के नाम दिए गए हैं, 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन यहाँ पर कंडक्ट किए जा बनाए जा सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंटली. बट गाइज, सी व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, कि आपको बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही अच्छे से, आपको एक ऑर्गेनाइज मैनर में आपको ये लिस्ट मिले जिसमें कि सभी पार्टनर कंट्रीज के नाम है, सभी एक्सरसाइजेस के नाम दिए गए हैं, इवन उनकी पीरियोडिसिटी भी दी गई है कि कितने सालों में वो होते हैं, बायएनुअल है, एनुअल है, तो क्या है वो पीरियोडिसिटी, वो भी आपको गिवन है एक एक चीज. यहाँ पर 15 एक्सरसाइजेस के नाम दिए गए हैं गाइस. हियर यू कैन सी ऑस इंडेक्स में आप देख सकते हो कि ऑस मीन्स ऑस्ट्रेलिया, इंड मीन्स इंडिया. तो एक्सरसाइज विच इज बीन कंडक्टेड बाई ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया इज बेसिकली ऑस इंडेक्स. वेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट एक्सरसाइज, इट इज इन बीन बिलाद, दैट इज इंडिया, बांग्लादेश, बिलाद. ठीक है जी, अगली है आपकी एक्सरसाइज जो कि वंस अगेन विद द बांग्लादेश. उसके बाद बढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज वरुण. वरुण किसके बीच में होती है गाइज? इट इज बींग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस एंड इट इज एन एनुअल एक्सरसाइज. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, दैट इज जीमैक्स. गाइस, यहाँ पर बहुत ही आसान है तरीका याद करने का. आप देख सकते हो कि जो पहला लेटर है ना वो आधा बता देता है आपको. जैसे हमने पढ़ा था श्रीनेक्स के बारे में, श्रीलंका आता है, तो वैसे ही आप देख सकते हो कि ऑस इंडेक्स में ऑस्ट्रेलिया है, वरुण में आपका फ्रांस है, इट इज एन एक्सेप्शन. बट वेन वी टॉक अबाउट जीमैक्स, इट इज बींग हेल्ड बिटवीन जापान एंड इंडिया. सो और अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट की, तो एक और है यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज, दैट इज इंद्रा. इंद्रा इज अ नेवल एक्सरसाइज विच इज बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया. तो आप कह सकते हैं भाई, इंडिया और रशिया को जब हम मिला दे तो गाइस इट बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंद्र. सो दैट्स व्हाई इट इज हियर.
So FS is saying thank you sir for this. Okay, bahut baat boge mala. Yeah, sorry, I am not just able to understand what you are saying, Sayan Saha. So, but here you can see here that what is absolutely here given. So, here all the names of the important exercises are being mentioned here. Hum baat kare Simbex ki, it is with, conducted with the Singapore. Sri Lanka ki baat kare, Srinex is the exercise which is being conducted between India and Sri Lanka, which is once again an annual exercise. So guys, this is a very very important thing. Just ye aap table dekh sakte ho, aapki 15 exercises ke naam, partner countries aapko yaad ho jayenge. Apart from that, humne bahut sare questions discuss kiye jo ki recently exercises conduct hui thi. उन एक्सरसाइजेस को भी हमने डिस्कस किया. अब एक और सरप्राइज है मेरे पास आप सभी के लिए. एंड गाइस, व्हाट इज दैट सरप्राइज? आई एम आल्सो हैविंग अनदर इंपॉर्टेंट टेबल जिसमें कि 12 एक्सरसाइज के नाम और हैं जो कि मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस हैं. सी, मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस जिसमें इंडिया खुद भी पार्टिसिपेट करता है, उनके भी नाम यहां पर आपको दिए गए हैं. और यहां पर बताया गया है कि पार्टनर कंट्रीज कौन सी हैं, लीड कंट्रीज कौन सी है, और उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करते हैं नहीं करता. ठीक है जी, यहां पर आप देख सकते हो काकाडू एक्सरसाइज, ऑस्ट्रेलिया इज द लीड, इट इज अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज. मिलन वेरी इंपॉर्टेंट, हमने अभी भी पढ़ा, रिसेंटली कंडक्ट की थी इंडिया ने. इंडिया इज द लीड, इट इज अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज. देन देयर इज एक्सरसाइज दैट इज कोमोडो, वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इंडोनेशिया लीड करता है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है. देयर इज अ एक्सरसाइज आईओएनएस दैट इज इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम मेंबर नेशंस की जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट की जाती है. देन देयर इज एन एक्सरसाइज माइटी शील्ड जिसमें इजराइल लीड करता है. सो गाइस, हियर यू कैन सी अ प्लेंटी नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस, अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, योर पेन पॉइंट हैज बीन मेड इजी पॉइंट व्हेन इट कम्स टू द मिलिट्री एक्सरसाइजेस फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो गाइस, अगर आपको यहां पर ये टेबल्स पसंद आई है, आपको ये तरीका अच्छा लगा है, तो प्लीज गिव अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन आल्सो गेट टू नो वेदर यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव और नॉट. ठीक है जी, हम बात करें और अपनी एक्सरसाइजेस की, तो कटलेस एक्सप्रेस हमने अभी रिसेंटली देखा था एक ऑप्शन के अंदर. कौन लीड करता है उस एक्सरसाइज को? वो लीड करता है यूएस. हम बात करें अगली एक्सरसाइज की, दैट इज सी ड्रैगन, इट इज बीइंग लीड बाय यूएस वंस अगेन. सो हियर यू कैन सी दैट हाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कवर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अगली है ब्लैक कैरेलियन, ये भी हमने देखा, इट इज बीइंग लेड बाय ऑस्ट्रेलिया. व्हेन वी टॉक अबाउट द मालाबार, मालाबार इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस. Then when we talk about the CITMEX, it is being led by Singapore, Thailand. Then when we talk about MAR6, it is being conducted by Singapore, South Asian states. Then we have CCAT, which is being conducted by US, Southeast Asian countries. So guys, आप अपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग इनको याद कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, PDF में एक्सेस कर सकते हैं. सो दैट्स वाई इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट वॉज अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू. एंड आई रियली बिलीव कि ऑल ऑफ यू मस्ट हैव लाइक दिस पर्टिकुलर सरप्राइज विच हैज बीन ब्रॉट हियर फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है जी, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज डिफेंस डील्स एंड इक्विपमेंट्स. सो गाइस, डिफेंस डील्स एंड इक्विपमेंट्स, बहुत सारी मिसाइल्स यहाँ पर लॉन्च की जाती हैं, उनकी रेंज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं कि भाई ये जो MOU हुआ है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने MOU साइन किया है, ये किसके साथ किया है? तो ये सभी के सभी डिटेल्स हम करेंगे अपने यहाँ पर डिफेंस डील्स और इक्विपमेंट्स वाले पार्ट के अंदर. ठीक है जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. एंड नाउ योर ग्रिल स्टार्ट्स, माय ग्रिल एंड्स, योर ग्रिल स्टार्ट्स, यू हैव टू टेल मी द आंसर टू द ऑल दीज पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो महारथी इज सेइंग दैट, so one request, please give the PDF in the Telegram in the normal way instead of PPT way, because the revision is easy if we print it and study for the revision. Okay Marathi, do not worry about it. Right now you are requested to just focus on the very first question which is mentioned here. So guys, next question is about the Defence Expo 2022. और आपको बताना है कि जो Defence Expo 2022 है, ये basically कौन सी जगह पर होने वाला है, in which place the Defence Expo 2022 will be conducted. गांधीनगर गुजरात, जोधपुर राजस्थान, कोलकाता वेस्ट बंगाल, सूरत गुजरात और न्यू दिल्ली. So what is the right answer here? Please tell me in the chat box what is the right answer. Inderpreet is opting for option number A, that is Gandhinagar, Gujarat, and this is absolutely correct. That is Gandhinagar, Gujarat. So guys, ये हमारी last category है, फटाफट खत्म करेंगे जिससे कि आपके पास time बच सके इन सभी चीजों को फिर से revise करने का. ठीक है जी, now moving on to the next question. Indian Navy has received the 12th P-8I patrol aircraft. ठीक है, अब आपको ये बताने कि हमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से ये एयरक्राफ्ट मिला है. एयरबस, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज,
डसॉल्ट एविएशन क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब, कौन सी हमारी ये जो पेट्रोल एयरक्राफ्ट है कौन से ऑर्गेनाइजेशन से मिला है हमें आपको बताना होगा चैट बॉक्स के अंदर। एयरबस, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज एंड डसॉल्ट एविएशन, व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बोइंग। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इंडियन नेवी हैज साइंड अ म्यूचुअल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट विद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टू फैसिलिटेट फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम। सो रिसेंटली इंडियन नेवी ने यहां पर एक म्यूचुअल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक प्रोग्राम यहां पर MOU साइन किया है, और आपको बताना है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसको साइन किया गया है। इट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, DRDO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। एंड गाइस, हियर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सो गाइस, जल्दी जल्दी कवर करेंगे हम अपने सभी आने वाले क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर थ्री, क्वेश्चन थ्री का सही जवाब था ऑप्शन बी, दैट इज सॉरी इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट, आपको बताना है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साइन किया, फॉर द रेट्रो मॉडिफिकेशन ऑफ द कमांडर साइट ऑफ इंडियाज मेन बैटल टैंक T-90। व्हाट इज द राइट आंसर हियर? सो गाइस, व्हेन वी टॉक अबाउट द राइट आंसर हियर, द राइट आंसर इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है इस क्वेश्चन का सही जवाब, जिसके लिए यहाँ पर टैंक T-90 इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक MOU साइन किया है, किसके साथ किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ किया है। एंड गाइस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो प्लीज tell me what is the right answer to the question number 5. Recently, India has signed an agreement with which country to develop 125 kilonewton engine for the indigenous 5th generation advanced medium combat aircraft. What is the right answer to the question here? Russia, Brazil, Israel, France, Ukraine. What is the right answer? Please tell me in the chat box. Question number 5. What is the right answer? India ne agreement kaun si country ke saath kiya hai? And here the right answer is basically option D, that is France. So guys, France ये हमारी कंट्री है जिसके साथ ये हमारा MOU साइन किया गया है। अब आपको मुझे बताना है कि भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें इन्वॉल्व है, विच इज बेसिकली गोइंग टू को डेवलप दिस 125 किलो न्यूटन इंजन। एंड गाइज, हेयर वेन वी टॉक अबाउट द राइट आंसर, द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगी वो है आपकी DRDO एंड सैफरन। सो सैफरन इज अ फ्रेंच इंजन मेकर एंड DRDO इज इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। सो गाइज, याद रखिएगा इंडिया और फ्रांस के बीच में ये पर्टिकुलर MOU साइन हुआ है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस फ्लाइंग ट्रेनर? सी गाइज, इंडिया ने रिसेंटली अपना पहला फ्लाइंग ट्रेनर डिजाइन किया है, जिसको डेवलप किया है CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज ने। ठीक है जी, अब आपको बताना है जल्दी जल्दी चैट बॉक्स के अंदर कि क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब। हंसा एनजी, सेस्ना 172, डायमंड, DA-40, पाइपर ए, PA-28, चेरोकी और रफेल एनजी। सो व्हाट इज द राइट आंसर है? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। What is the name of the India's first indigenous flying trainer? And here the right answer to the question is option A, that is Hansa NG, or Manthan, Swanti, Vivek. Everybody have answered the question correctly, that is Hansa NG. Okay guys, now let's move on to the next question. So recently the Ministry of Home Affairs has approved the formation of village defense groups. So recently Ministry of होम अफेयर्स ने यहां पर अप्रूव किया है फॉर्मेशन ऑफ विलेज डिफेंस ग्रुप्स, और आपको बताना है कि कौन से यूनियन टेरिटरी के लिए बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इट्स चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, चेन्नई, लक्षद्वीप, न्यू दिल्ली। व्हाट इज द राइट आंसर? किसके लिए यहां पर, कौन सी यूनियन टेरिटरी के लिए इसको लॉन्च किया गया है? एंड हियर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। सो गाइस, जम्मू एंड कश्मीर है इस क्वेश्चन का सही जवाब। सो गाइस, आप देख सकते हो कि बिल्कुल फ्री का नंबर है जो आपको मिलने वाले एग्जाम के अंदर, अगर आपको पता है इस क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में आने वाले हैं, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, द राइट आंसर वॉज ऑप्शन बी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So, अगला क्वेश्चन है डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर। डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? सी HAPS, दैट इज हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट। उसके लिए यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट, और आपको बताना है कि जो सर्वेलेंस ऑपरेशन है आपका, टू बेसिकली दिस HAPS विल कंडक्ट सर्वेलेंस ऑपरेशन एंड इट विल गोइंग टू सपोर्ट द कम्युनिकेशन। और आपको बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये MOU साइन किया है? एक्सॉन टेक्नोलॉजीज, कैपिटल एरोस्पेस, न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजीज, स्टारलिंक और एयर एक्स लैब्स। सो व्हाट इज द राइट आंसर हियर? एंड आई एम गेटिंग द ऑप्शंस इन द चैट बॉक्स हियर, पीपल आर ऑप्टिंग फॉर ऑप्शन बी। सो गाइस, हियर द राइट आंसर इज नॉट ऑप्शन बी, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज। सो ये है इस क्वेश्चन का सही जवाब। गाइस, एग्जाम में आएगा तो याद रखिएगा क्या इस क्वेश्चन का सही जवाब, इट इज न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगले क्वेश्चन में आपको यहां पर बताना है कि बेसिकली
पहली यहां पर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हैकाथॉन रिलीज की थी इंडियन आर्मी ने इन कोलैबोरेशन विद द राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी. आपको बताना है कि उसका नाम क्या है, व्हाट एग्जैक्टली वाज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर हैकाथॉन. युद्ध अभ्यास, सैन्य रणक्षेत्रम, रणजीत, विजय युद्ध और सैन्य जीत. व्हाट इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स. नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हैकाथॉन विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी. एंड गाइस हियर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज सैन्य रणक्षेत्रम. सो गाइस याद रखिएगा ये नाम किसने लॉन्च किया है ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंडियन आर्मी. किसके साथ किया है ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी. ठीक है जी, आई होप दैट दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेम द कंट्री विच हैज रिसेंटली अनवील्ड अ न्यू मिसाइल. सी एक कंट्री का नाम बताना है आपको, आइडेंटिफाई करना है. नेम ऑफ द कंट्री विच हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ मिसाइल सरफेस टू सरफेस दैट इज बीन नेम्ड एज खैबर बस्टर. आपको बताना है कि देखो उसकी रेंज भी गिवन है, दैट इज 1450 किलोमीटर. नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ दैट कंट्री विच हैज बेसिकली लॉन्च दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट मिसाइल, दैट इज whether it is Iraq, North Korea, Iran, USA or China. Kya is question ka sahi jawab? I am expecting your replies in the chat box. Please tell me what is the name of the country which has unveiled this new missile, that is surface to surface missile which has been named as Khaibar Bastar. So what is the name of the country which has released it? And Swati has answered the question correctly, that is option C, Iran. So guys, Iran is basically the right answer here. Sabhi ne diya is question ka sahi jawab. Now let's move on to the next question. So the fifth in the series of 105 Metro Offshore Patrol. So guys, see 105 meter offshore patrol vessel. ये की recently commission किया गया था by the Indian Coast Guard ship. So guys, आपको बताना है कि ये जो commissioning हुई है ये कौन सी state में हुई है, गुजरात, केरला, उड़ीसा, गोवा, तमिलनाडु, कहाँ पर इसको basically commission किया गया है. So here it is, it was the fifth in the series of 105 meter offshore patrol vessel. What is the right answer to the question here? And people are opting for option C, that is Odisha. But guys, here the right answer to the question is option D, that is Goa. So Goa is question ka sahi jawab. And guys, this was the 10th question of this particular category. Now let's move on to the next question. So ab aapko batana hai country ka naam. You're just required to tell me the name of the country. DRDO has successfully test fired army version MRSMC. Recently DRDO ने एक test fire किया था army version of a medium range surface to air missile. और आपको बताना है कि ये जो मिसाइल है ये कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने बेसिकली को डेवलप की है. सी यहां पर आपको बताना है कि देखो DRDO का तो हमें पता है. द नेक्स्ट इज यू आर जस्ट रिक्वायर टू फिल इन द ब्लैंक, दैट इज डैश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज. व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री, जापान, इजराइल, यूएसए, फ्रांस, नन ऑफ द अबव. व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री विद विच इंडिया, दैट इज DRDO, हैज रिसेंटली made this MRSAM missile. So what is the name of that particular country? And guys, here the right answer to the question is basically option B, that is Israel. So Israel hai is question ka sahi jawab, jiske saath yahan par India ne diya hai. And Kubrin have answered the question correctly, that is option B, Israel. So well done guys. Now let's move on to the next question. So recently Indian Army has signed a contract with which dash worth rupees 471.41 crores for the refurbishment of IGLA 1M missiles. So guys, आपको जस्ट बताना है name of the organization जिसके साथ Indian Army ने इस particular contract को sign किया है. It's Bharat Electronics Limited, Bharat Dynamics Limited, Bharat Heavy Electrical Limited, Defence Research and Development Organization, Bharat Earth Movers Limited. क्या है इस question का सही जवाब? And guys, here the right answer to the question is Bharat Dynamics Limited. So guys, जल्दी जल्दी हमें questions को cover करना है. और जब हम बात करें इस question की, तो ये जो यहाँ पर Indian Army ने contract sign किया है, it was being a यहाँ पर ये कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 471.41 करोड़. ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है किस मिसाइल के लिए की है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज IGLA 1M मिसाइल. ठीक है जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इस अगले क्वेश्चन यहाँ पर है कि रिसेंटली DRDO ने टेस्ट की थी एक एक्सटेंडेड रेंज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पोखरण रेंज के अंदर राजस्थान के. और आपको बताना है उसका नाम क्या है, उस सिस्टम का नाम क्या है. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सिस्टम, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स. व्हाट इज द नेम, वेदर इट्स आकाश, धनुष, त्रिशूल, पिनका, पृथ्वी. व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 13. And guys, here the right answer to the question is basically option D, that is Pinaka ER. So Pinaka ER is question ka sahi jawab. So guys, that was the 13th question of this particular series. Now let's move on to the next question. So next question is, which of the following Indian Navy ship has been deployed in the Persian Gulf? So guys,
सी हियर दिस इज वंस अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. जब हम बात करें इंडियन नेवी शिप की, तो एक इंडियन नेवी शिप को डिप्लॉय किया गया है पर्शियन गल्फ के अंदर टू स्ट्रेंथन द ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप विद द फ्रेंडली फॉरेन नेवीज. एंड यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी दैट व्हाट इज द नेम ऑफ दैट INS Tarini, INS Sudarshini, INS Arihant, INS Vikrant, INS Sindhudurg. What is the right answer, guys? Please tell me in the chat box what is the right answer to this particular question. Recently, यहाँ पर ये deploy किया गया था Persian Gulf के अंदर एक Indian naval ship. What is the right answer here? And here the right answer is option B, that is INS Sudarshini. So INS Sudarshini है इस question का सही जवाब. And guys, now let's move on to the next question. So the next question is, recently which of the following indigenous messaging app has been launched by the Indian Army? So guys, आपको बताना है इस question के अंदर कि recently Indian Army ने एक अपना ही indigenous messaging app launch किया था. क्या है उसका सही जवाब? संदेश, Insta message, Army Connect, Interceptor और Asigma. What is the right answer to this question? Just you are required to tell me the name of the system, the app which has been recently launched by the Indian Army for the, which is a basically an indigenous messaging app. So what is the right answer? Option A, B, C, D and E. Please tell me in the chat box here. And guys, here the right answer to the question is basically option E, that is a Sigma. So Swanti saying that it is Sandesh. So Swanti, it is not Sandesh. It is basically a Sigma. A Sigma is the right answer to the question, guys. Everybody is just answering this question correctly. Guys, at the end of the session, you are just answering the questions incorrectly. So this is not acceptable here. But theek hai, koi dikkat nahi hai. You are required here to commit the mistakes and to learn from them. You have committed the mistake. A Sigma, us particular messaging app ka naam hai, jo ki recently Indian Army ne launch kiya tha. It, which is an indigenous messaging app. So guys, the right answer to the question is option E, and Reshma has answered the question correctly, that is a Sigma. So guys, basically ye tha aapka 15th question. Now let's move on to the 16th question. So DRDO has successfully conducted a maiden flight test of indigenously developed surface to surface missile from Abdul Kalam Island of the Odisha coast. और आपको बताना है कि उस मिसाइल का नाम क्या है. So guys, recently DRDO ने इस particular मिसाइल को test किया है successfully, और आपको बताना है कि इस मिसाइल का नाम क्या है. Question number 16 का क्या है सही जवाब? Please tell me in the chat box. प्रहार, धनुष, प्रलय, नाग और पिनाका. What is the right answer to the question? Guys, please tell me in the chat box below what is the right answer to the question. You are just required to tell me the name of that missile which has been recently successfully conducted by the DRDO, jiska flight test recently conduct kiya gaya hai. And here people are opting for option C, that is Pralay. And guys, option C is absolutely the right answer. So Kubaran ne diya hai is question ka sahi jawab, that is Pralay. And Pralay was the right answer to the question. Now moving on to the question number 17. So guys, here we are just moving towards the end of this particular session. Ye bas session is about to end. कुछ चंद क्वेश्चंस बचे हैं. गाइस प्लीज मेंटेन योर पेशेंस हियर एंड नाउ लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इंडिया का पहला इंडिजिनसली बिल्ट मिसाइल कॉर्बेट. एंड गाइस इट इज इंडियाज फर्स्ट एंड दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कवर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो प्लीज टेल मी इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली मिसाइल कॉर्बेट व्हिच हैज बीन डीकमीशन आफ्टर 32 इयर्स ऑफ सर्विस. What is the right answer to the question? INS Kukri, Kalvari, Sindhu Ghosh, Karanj or Sindhu Ratna. What is the right answer to the question? So guys, this is really a very important question which is really probable to be asked in the exam. So kya is question ka sahi jawab? People are opting for option number D, that is INS Karanj. So guys, the right answer is not INS Karanj. The right answer is basically option A, that is INS Kukri. So INS Kukri is the right answer to the question. Please mind my word. Please note down this particular part, that INS Kukri is the right answer. And PK Bhanu has answered the question correctly, that is INS Kukri. Manthan ne bhi diya hai sahi jawab. Now let's move on to the next question. So guys, recently DRDO ne conduct kiya tha successful test of advanced naval variant of BrahMos supersonic missile. Theek hai, aapko batana hai ki is missile ki range kya hai, jo extended range of missile hai jisko flight test kiya tha Vishakhapatnam ke andar. So basically what is absolutely the right answer here, kya hai uski range? 350 से 400 है, 250 से 500 है, 350 to 500, 350 to 550 और 400 to 600 kilometers. What is the right answer to the question? Please tell me in the chat box, guys. What is the right answer? What is the extended range of this particular missile which has been recently conducted by DRDO? And here the right answer to the question is option A, that is 350 to 400. Swanti has answered the question correctly. Well done, guys. Arnab ne bhi diya hai iska sahi jawab. Sorry, he has written option E. Amazing video saying option C. So guys, here the right answer is basically option A, that is 350 to 400 kilometers, which is the right answer. Now moving on to the next question. So guys, agla question yahan par hai ki kaun si country ne yahan par ek agreement sign kiya hai India ke saath for the BrahMos
एरोस्पेस प्रोक्योर शोर बेस्ड ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल। तो गाइस आपको बताना है उस कंट्री का नाम जिसने रिसेंटली ये एमओयू साइन किया है, अग्रीमेंट साइन किया है ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ टू प्रोक्योर अ शोर बेस्ड ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री? इटली, फिलीपींस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन। सो गाइस वंस अगेन मार्क माय वर्ड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज इन द जनवरी 2022। ये जो MOUs हैं, they are really very important from the exam point of view. And here people are opting for option number B, that is Philippines. And Philippines is absolutely the right answer to the question. So guys, now let's move on to the next question. So the next question is, Indian Army and Air Force have signed a contract with a defense manufacturer Saab to procure AT-4 anti-armor weapon. So आपको बताना है कि कौन सी कंट्री से यह belong करता है, that is a defense manufacturer Saab. And guys, please tell me in the chat box what is the right answer. It is from Italy, Sweden, Ukraine, Australia, Spain. कौन सी कंट्री से ये जो हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरर साहब है, ये जो नेम है इस ऑर्गेनाइजेशन का, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? इट्स इटली, स्वीडन, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन। And I am getting the right answers here. The right answer to the question is option D, that is Sweden. So PK Bhanu and Reshma ne diya is question ka sahi jawab, that is Sweden. AK Finance is saying that it is option A. Kubran is saying option B. Guys, option B is the right answer to the question, that is Sweden. So guys, this was basically the last question of the today's session. And I really believe ki ye session aapke liye bahut zyada fruitful aur useful hoga exam ke liye. And guys, really thankful for all of your energy in the chat box which you have given during the whole session. And guys, please tell me if you are having any kind of queries, because today we have just covered 5 important categories from the defense environment, defense MOUs. We have covered space, we have covered technologies. So we have covered all the very important topics which are really very important from the phase 1 of the RBI grade B exam. And guys, see, ye aapke the pain points jinko aaj humne kar diya hai easy points for all of you, for all the student fraternity who are basically preparing for RBI grade B 2022 exam. And guys, once again I want to remind you ki today is 17th of April, 18th April is the last day to fill the RBI grade B 2022 form. So guys, if you have not filled that form, then kindly go and fill it. And if you are having any kind of queries, then guys, please tell me your queries in the chat box. I would really love to answer your queries. I would really happy to answer your queries. So please tell me if you are having any queries, any kind of queries with the session or the topics that you are facing, or your difficulties you are facing while your preparation in the RBI grade B 2022 exam. And here I am saying that everybody is saying thank you. So guys, thank you guys to all of you who have joined this session. And guys, please do not forget to share this session with your friends as well, जिससे कि बाकी सब लोग भी इस particular session से सारा का सारा जो important चीजें हैं वो पढ़ सके, so that they can also achieve their dreams of becoming the RBI grade B 2022 officer. ठीक है जी? So guys, if you are having any queries, please tell me your queries in the chat box, or we will be just concluding this particular session. So Kubrin is saying that is 5 months current affairs enough, sir. See, when we talk about the phase 1, guys, phase 1 ki agar baat kare, to 3 months before the exam is a must do current affair. Theek hai ji, 3 months ka sabse pehle kijiye, then move on to next 3 months. Exam se just pehle, that is exam is in the May, to February, March, April. ये 3 महीना और मई और 20 तक का आपको यहाँ पर करंट अफेयर करना बहुत जरूरी है. उस जब ये आपका बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा, गाइस, देन यू आर रिक्वायर्ड टू गो टू द बैक 3 more months, सो दैट यू विल बी ऑन द सेफ साइड. ठीक है जी? So I really think that now there are no more queries in the chat box, so we can just conclude the session. So guys, thank you for joining us for the today's session, but do not forget to miss our other sessions as well. In the upcoming period, we will be coming up with more such kind of sessions in the exam. So guys, thank you for joining us. Stay healthy, stay happy. Wish you all happy learning and all the best for your upcoming RBI grade B 2022 exam.